जरूर। ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू फ्रेंड्स? व्हाट्स अप? व्हाट्स गोइंग ऑन? डू यू एंजॉय स्टेइंग विद मी लाइव गाइस? जिंदगी में अगर प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से सफलता प्राप्त करनी है तो डियर स्टूडेंट्स, दो तीन मंत्र जो है वो आपको दिमाग पे बैठाने पड़ेंगे। एक मंत्र जो है इसका सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप क्या रेगुलर पढ़ाई करते हैं? डू यू स्टडी रेगुलरली? वन अनदर, डू यू हैव पेशेंस? थर्ड, हैव यू गॉन विद द राइट प्लेटफॉर्म? हैव यू गॉन विद द राइट डायरेक्शन एंड गाइडेंस? कुछ चीजें हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी होती हैं। यू मस्ट बी विद अ टीचर हु इज एक्सपीरियंस्ड, यू मस्ट बी विद द प्लेटफॉर्म विच इज एक्सपीरियंस्ड, यू मस्ट बी रेगुलर एंड यू मस्ट मेंटेन पेशेंस। टारगेट एकदम फिक्स रखिए, डेली उस पर काम करिए, भगवान पर या अपने इष्ट जो भी हो आपके उन पर भरोसा करिए। यू बिलीव इन गॉड, यू बिलीव इन द ब्लेसिंग्स ऑफ योर पेरेंट्स। अगर ये सब आप लेके चलते हैं तो आप लाखों की भीड़ में एक गवर्नमेंट जॉब हासिल करते हैं और आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आता है। प्यारे बच्चों, ये बातें इसलिए बीच बीच में करनी पड़ती हैं क्योंकि पढ़ते सब हैं, लेकिन जो मकसद लेकर पढ़ता है, जो जुनून के साथ पढ़ता है, जिसके अंदर एक आग होती है कुछ करने की, वही इतनी बड़ी भीड़ में एक सही स्थान बना पाते हैं। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस इन डे टू डे लाइफ, एंड द डे विल कम वेन यू विल बिकम वेरी सक्सेसफुल एंड यू विल बी इन पोजिशन टू चेंज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ योर फैमिली ऑल्सो। गाइज, मुझे बहुत आपसे बात करके मजा आता है। आई लाइक टू टीच यू, आई लव टू टीच ऑल ऑफ यू। और डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों को आप फटाफट लाइव करिए। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है कि इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें आपके साथ आती हैं और आप लोग ये वीडियो शेयर नहीं कर पाते हैं। और मुझे लगता है कि बस यही कंसिस्टेंसी, यही रेगुलरिटी, यही कंसिस्टेंसी, यही रेगुलरिटी अगर आपकी नहीं रहेगी तो ये जान लीजिए कि फिर प्रॉब्लम ही है। तो आइए, कल हम लोग सीपीओ का पेपर एक लेके चल रहे थे, सीपीओ सेट 3 2016। क्वेश्चन वन हम लोगों ने डिस्कस किया था, एग्री विथ समबडी ऑन समथिंग। क्वेश्चन थ्री हम लोगों ने नॉट ओनली बट ऑल्सो, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन था, तो इस पर भी बातचीत हमारी आपकी हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री में रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे वर्ब चाहिए थी, तो आपका राइट ऑप्शन आया था आई हु एम योर फ्रेंड सेकेंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर पे चलिए, ये आपका हम लोग डिस्कस किए थे, फॉर प्लस टाइम होने के कारण आपको जाना था हैव लिव्ड हियर फॉर, चूंकि परफेक्ट टेंस लेना होता है, तो आपका बेस्ट ऑप्शन था थर्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव, ये हम लोगों को आज चर्चा करना है, बीरबल वॉज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल अदर मैन। ये जो क्वेश्चन आपका आया है इस पर मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जब आप ये सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री अगर है आपका सेंटेंस में तो उसके बाद ऑफ के बाद आप प्लूरल नाउन तो लेंगे, लेकिन ये जो ऑल बीच में आ जाता है ये आपका यहां नहीं आना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके मैं दो तीन सेंटेंस और दिखा दूं जो अदर को लेके आता है। जैसे मैं थ्री सेंटेंसेस लिख रहा हूं, इनको देखिएगा आप,
इनको कहा जाता ट्रांसफॉर्मेशन की कैटेगरी में जाते हैं तीनों सेंटेंस। तो यहां तो ऑल नहीं होगा, पहले इसको हम क्लियर कर लें। तो अगर ऑल हटाते हम तो वाइजेस्ट ऑफ अदर मैन, वीरबल वॉज वाइजेस्ट ऑफ ऑल हटता है, तो वाइजेस्ट को अगर हम मेंटेन भी करते हैं तो ऑल अदर ये हटेगा, अदर हटेगा ये, सॉरी यहां पे अदर शब्द को ले हटाना था हम लोगों को, अदर अदर शब्द नहीं आना चाहिए, तो अदर हटेगा। तो अब अगर अदर हटाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कि हम मोर वाइजर नहीं कर सकते क्योंकि ये डबल कॉम्परेटिव हो जाएगा, मोर भी कॉम्परेटिव डिग्री है और वाइजर भी कॉम्परेटिव डिग्री है, तो डबल कॉम्परेटिव तो एक साथ नहीं आता है, वाइजर देन हो सकता, वाइजर के बाद टू भी नहीं आएगा। तो बेस्ट आंसर आपका जाएगा वीरबल वॉज वाइजर देन ऑल अदर मैन। तो यहां पे आप जो है ये जो वाइजेस्ट ऑफ है ये अगर हम हटा लेते हैं और इसकी जगह वाइजर देन कर देते हैं तो ये आपका करेक्शन हो जाएगा। लेकिन इसकी रूट क्या है इसके बारे में तीन सेंटेंस अगर समझ लें तो शायद आपके क्वेश्चन हमेशा सही होते रहेंगे। सुपरलेटिव डिग्री के साथ कभी अदर शब्द नहीं आना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री अगर आपने लिया है तो ये अदर शब्द जो है उसका दुश्मन है, ये नहीं आना चाहिए। आइए मैं थ्री सेंटेंसेज आपको दिखाता हूं, बहुत सिंपल से आपको समझ में आ जाएंगे। पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के लिए हैं ये। जैसे एक सेंटेंस मैंने पॉजिटिव का लिखा, नो अदर लीडर इज एज पॉपुलर एज मोदी या नो अदर लीडर इन इंडिया, नो अदर लीडर इन इंडिया इज एज पॉपुलर एज मोदी, ऐसे सेंटेंस लिखा। कोई पॉलिटिकल लाइन से मत जोड़िएगा इसको, मेरी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है सेंटेंस में, ना आपकी भी होना चाहिए, हम टीचर और आप स्टूडेंट हैं, एक जनरल सेंटेंस लिखा है, कोई पॉलिटिकल लाइन नहीं इसमें देखेंगे हम लोग। नो अदर लीडर इन इंडिया इज एज पॉपुलर एज मोदी, और फिर आपने लिख दिया एक मोदी इज पॉपुलर, मोदी इज मोर पॉपुलर, चूंकि मोर लगाना पड़ेगा इसमें क्योंकि ऐसे शब्द, ऐसे एडजेक्टिव या एडवर्ब जिनमें दो से अधिक, एक से अधिक मात्रा होती है, मोर देन वन सिलेबल अगर होता है तो फिर उनका कॉम्परेटिव बनाने के लिए मोर और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट लगता है। जैसे पॉपुलर, तो यहां पे मोर देन वन सिलेबल होने के कारण मोर लगा, मोदी इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर लीडर इन इंडिया। तो देखो इसमें भी अदर शब्द आ गया देन एनी अदर, पॉजिटिव डिग्री वाले में भी अदर शब्द आया है, और थर्ड लिखेंगे जो सुपरलेटिव सेंटेंस है, मोदी इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन इंडिया। और इसकी जो एक इंस्ट्रक्शन है वो भी हम समझ लें, व्हेन वी कंपेयर, व्हेन वी कंपेयर, यहां से देख लो, व्हेन We compare more than two. जब हम दो से अधिक की कंपेरिजन करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक कहता है कि when we compare more than two persons or things, we can transform positive degree into comparative and comparative into superlative without changing the meaning of the sentence. तीनों की भावना एक है, तीनों की फीलिंग एक है, लेकिन एक सेंटेंस आपने पॉजिटिव डिग्री का लिखा, एक कॉम्परेटिव का लिखा, एक सुपरलेटिव का लिखा। अगर आप देखें तो पॉजिटिव डिग्री वाले में भी आपको अदर देखने को मिला, कॉम्परेटिव वाले में भी अदर देखने को मिला, देन के बाद देन एनी अदर, लेकिन सुपरलेटिव में आपको कहीं अदर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। सो दिस इज द रूट कॉज, दिस इज द रूट कॉज फ्रॉम वेयर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन टेक्स प्लेस।
ये उसकी जड़ है जहां से सवाल निकल के आता है कि जब आप एक की तुलना कई लोगों से कर रहे हैं तो क्या आप उसको सुपरलेटिव के दौरान अदर शब्द का प्रयोग करेंगे? अगर अदर शब्द का प्रयोग करेंगे तो क्या आप सही होंगे? तो आपके सुपरलेटिव में कहीं भी अदर का प्रयोग नहीं हुआ है। कॉम्परेटिव में देखें तो अदर शब्द आया, मैंने बिल्कुल इनसर्किल कर दिया है, और पॉजिटिव में भी अदर शब्द आया। अब यही चीज जब पॉजिटिव डिग्री का क्वेश्चन बनता है तो ये अदर शब्द को छोड़ देते हैं और सीधा सीधा लिख के, कई बार आया है, 4-6 बार आ चुका। देखो मैं अगर SSC का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे NDA CDS का, पिछले वर्षों के क्वेश्चंस में अगर कुछ भी बोलूंगा तो ये सच है। जो भी अनुभवी होगा वो तो मानेगा ही, एक दिन आप भी अनुभवी होंगे जब आप धीरे धीरे पढ़ लेंगे, आप भी स्वीकार करेंगे कि बंदा सही बोलता था, मैं गलत बोलता ही नहीं हूँ, कि ये टाइप का क्वेश्चन भी 4-6 बार एग्जाम में स्थान बना चुका है। और इसी आधार पर बनाया है कि क्या पॉजिटिव डिग्री के दौरान हम अदर शब्द छोड़ सकते हैं, जब हमें 2 से ज्यादा की कंपेरिजन करनी हो, When we compare more than two, जब हम 2 से ज्यादा लोगों की कंपेरिजन करते हैं तो क्या हम अदर शब्द को ड्रॉप कर सकते हैं? तो नहीं, पॉजिटिव में नहीं कर सकते। कॉम्परेटिव डिग्री में भी अदर शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, मैंने अदर शब्द नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में अगर हम अदर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बस इसी चीज को ध्यान में रखना है, और इसी के ग्राउंड पे ये सुपरलेटिव में अदर शब्द आया था। यही कारण है कि अदर को बचाए रखना, चूंकि अंडरलाइन नहीं था ना यहाँ पर, तो अदर को बचाए रखना है अगर, तो फिर यहाँ चेंज कर दो। और जब यहाँ आपने वाइजर देन किया तो वाइजर देन के साथ आप जा सकते हैं, वाइजर देन ऑल अदर या वाइजर देन एनी अदर, ये आपका प्रयोग हो सकता है। यहाँ पे आप जो एनी लगाए, अगर ऑल लगाते हैं, एनी लगाओगे तो ये नाउन सिंगुलर होगा, और अगर यहाँ ऑल लगा दोगे तो ये नाउन प्लूरल हो जाएगा, बस ये फर्क आएगा, लेकिन मीनिंग का कोई अंतर नहीं आएगा। एक बार फिर से सुने, एनी के बाद यहाँ जो नाउन है का सिंगुलर रखना है तो एनी के साथ नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन ऑल के साथ जाओगे तो यहाँ का नाउन प्लूरल ही होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑल बनाए रख सकते हैं आप, अदर बनाए रख सकते हैं क्योंकि मैन प्लूरल है, बस यहाँ पे आपको वाइजर देन कर देना, वाइजर देन। और पहला ऑप्शन में डबल कॉम्परेटिव था, मोर और वाइजर, वाइजर स्वयं कॉम्परेटिव है, उसके पहले मोर का प्रयोग। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका, इस तरह की स्थिति बच्चों बन जाए अगर कि कॉम्परेटिव डिग्री के पहले मोर लगा दें आप, तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है, इसको एक नजर में सही कर लिया करो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये समझ में आया ना? और बच्चों आप लोग जो है प्लीज वीडियोज को शेयर करो, अगर मुझे लगता है कि बच्चे पढ़ने वाले होंगे अगर, तो जरूर आपकी बात को मानेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि हर छोटी चीज पे बात कर रहा हूँ, हर छोटी चीज की तरफ आपका इशारा कर रहा हूँ, सिर्फ ये नहीं कर रहा हूँ प्रैक्टिस के नाम पर कि आइए क्वेश्चन नंबर 5 आंसर 2 और वाइजर देन सही होगा, सुपरलेटिव गलत है, ये 2-3 शब्दों में खत्म नहीं कर रहा हूं। चाहता तो ये भी एक प्रैक्टिस का तरीका है जो लोग करवाते हैं, प्लीज इसका डिफरेंस अगर आप समझ जाएंगे तो फिर आप अधिक से अधिक संख्या में बच्चे हमारे साथ लाइव हो सकेंगे। प्लीज मेरी बात मानिए, इस फर्क को समझें, हम चाहें तो इसको प्रैक्टिस ऐसे करवा सकते हैं। देखिए वाइजेस्ट यहाँ पे गलत है, अदर को सही रखना है तो वाइजर देन का कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए, तो एक क्वेश्चन आपका हल हो गया, आप भी खुश कि बड़ी जल्दी हल हो गया। लेकिन बेटा हमारा मकसद है ही नहीं है, हमारा मकसद तुमको सिखाना है और तुमको अपने पैरों पे खड़ा करना है। आई वॉन्ट यू टू स्टैंड ऑन योर ओन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स इन द एग्जाम एंड यू शुड बी इन पोजिशन टू सॉल्व देम। आई वॉन्ट टू रेज योर कैपेसिटी, आई वॉन्ट टू रेज योर एबिलिटी टू सॉल्व क्वेश्चन इन द एग्जाम। तो जब आप एबिलिटी रेजिंग एक्टिविटी पे काम करते हैं तो थोड़ा टाइम देके ही करना पड़ता है, और बच्चों इसमें आपको कोऑपरेट करना चाहिए। और जो लोग एक दिन लाइव होते हैं दूसरे दिन भाग जाते हैं, इन पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है, ऑटोमेटिक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि क्या वास्तव में पढ़ने वाले बच्चे हैं या फिर ये सिर्फ एक काइंड ऑफ एक माहौल खड़ा करते हैं कि देखो आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, यू सी आई एम ऑल्सो स्टूडेंट। मैं जो तो डाउट होता है कि इस तरह के बच्चे स्टूडेंट होते हैं जहां पे सटीक सीखने की मौके हों और वो भागम भाग करते हैं। चलिए बच्चों आप लोग प्लीज सुनते रहिए, और ये जो रिएक्शंस आ रहे हैं आप लोगों को, सबको गुड इवनिंग गाइस, आप सब हमारे साथ लाइव हैं, नाम तो इस समय बहुत सारे लेना वेस्टेज ऑफ टाइम है बच्चों, इसलिए मैं आप सबको बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जुड़िए पूरी तन्मयता से, पूरी ईमानदारी से हमारे साथ, और मैं आपके साथ पूरी ईमानदारी से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, अगर एक हमारी कमी हो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट हम नहीं पढ़ते हैं, तो ये आपकी नासमझी है। समाज के कुछ लोगों को जिंदा रहने दो जो इस तरह का काम करना चाहते हैं, प्लीज उनको सहयोग करें। हमें आपका स्नेह चाहिए, हमें आपका
सहयोग चाहिए, बाकी ऊपर वाला हमारा ख्याल रखेगा। भगवान तो है ऊपर जो हमारा ध्यान रखेगा, लेकिन हम आपके लिए ये काम करना चाहते हैं और पूरे मन से करना चाहते हैं, प्लीज सहयोग दीजिए, प्लीज डू कोऑपरेट। आइए, क्वेश्चन की डिस्कशन हम लोगों ने की, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। सिक्स, फोर वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली वन वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। ये स्पेलिंग के क्वेश्चन हैं, चार पांच क्वेश्चन सीपीओ का पेपर है उसमें आए हुए थे। पहला ही क्वेश्चन आपका कॉन्सेंसस का, इस पर क्रम नहीं पढ़ पाया, लेकिन एक क्वेश्चन आपका कॉन्सेंस, चार चार ऑप्शन है, तो इसमें आपको करेक्टली स्पेल्ड खोजना है, ऐसा स्पेलिंग जो करेक्ट हो। अब कॉन्सेंसस को लेके यही नहीं कि ये क्वेश्चन हम इसकी स्पेलिंग सही कर लिए तो हमारा काम हो गया, हम बताएंगे आपको यहाँ पे मेरा अनुभव आपका देखें कि मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि ये तो बहुत बार और भी तरीके से पूछा गया क्वेश्चन है, आखिर इसमें क्या क्या पूछा गया देखते हैं। पहली बात तो CONSCIOUS कॉन्शस, CONSCIENTIOUS कॉन्सेंसस, कॉन्शस मतलब होता है अवेयर, जागरूक, अवेयर, अवेक, और कॉन्सेंसस जो होता है वो होता है मोरली, मोरली अवेयर, नैतिक रूप से जागरूक, नैतिक रूप से सचेत, और कॉन्सेंस अकेला होता है अवेक या अवेयर, जागरूक। अगर हम कॉन्सेंसस को देखें तो यहां तो स्पेलिंग के लिए आए तो पहले तो चेक ही कर लें कौन सी स्पेलिंग से, CONSCIENTIO, ये फोर्थ में आपकी स्पेलिंग करेक्ट है, CONSCIENTIOUS कॉन्सेंसस। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉन्सेंसस क्या शब्द है, स्पेलिंग इसकी क्या है, ये कई बार आपका आ चुका है सेंटेंस में फिलिंदा ब्लैंक के दौरान, जहां पे कॉन्सेंस था, कॉन्सेंसस था, और पूरे सेंटेंस की जो भावना थी, जो फीलिंग थी, वहां यही देखना था कि कोई कॉन्सेंसस वर्कर है, कोई कॉन्सेंसस स्टूडेंट है जिसको नैतिक चेतना है कि मुझे क्या करना है, तो वही ज्यादा सफल होगा। जैसे क्वेश्चन इसका हम बना दें, तो इस तरह का क्वेश्चन आया था, आपके पास ऑप्शन रहेंगे इसमें, एवरी और खाली जगह स्टूडेंट गेट सक्सेस, गेट्स सक्सेस, अब आप इतने देखें एवरी और वही कॉन्सेंसस और कॉन्सेंसस अगर हम लेते हैं तो ये बेटर वर्ड जो जाएगा, प्रत्येक मोरली अवेयर स्टूडेंट सफलता प्राप्त करता है, जो नैतिक रूप से जागरूक होता है कि मुझे मेरी ड्यूटीज क्या है एज ए स्टूडेंट, या कोई भी पर्सन जो अपनी ड्यूटी समझता है ना, मोरली समझता है कि मेरी ये काम है तो फिर मुझे करना चाहिए, तो वो सफलता पाता। अगर यहाँ पे ये ऑप्शन कॉन्शियस, बी आया था कॉन्सेंस, कॉन्सेंसस, जो बच्चे इस तरह की डिस्कशन को समय की बर्बादी मानते हैं ना, बस वही बच्चे फेल होते एग्जाम में, और जो बच्चे एक क्वेश्चन से कुछ और चीजें समझने की कोशिश करते हैं, और अगर ऐसा कोई टीचर आपको मिल जाता है तो ये आपका भी सौभाग्य है और मेरा भी सौभाग्य है कि इस मानसिकता के बच्चे हैं जो एक क्वेश्चन हल करने के दौरान उसकी बहुत सारी जो और चीजें परीक्षा में उससे जुड़ी थी उन पर अगर वो चर्चा सुनना पसंद करते हैं, तो ये जान लीजिए कि वो कम समय में एक बहुत ही क्वालिटी प्रिपरेशन करते हैं, बहुत ही गुणवत्ता परक उनकी तैयारी होती है। तो आप यहाँ पे ना कॉन्सेंस लेंगे ना कॉन्सेंस लेंगे, कॉन्सेंसस जो नैतिक रूप से जागरूक होता है वही सफलता पाता है, क्योंकि आप स्टूडेंट है तो आपकी अपनी मोरल ड्यूटीज हैं एज ए स्टूडेंट, या कोई वर्कर है। ये क्वेश्चन का मैंने एक नमूना दिया है, एक पैटर्न दिया है। सो दिस वर्ड हैज टेकन प्लेस लाइक दिस थ्री और फोर टाइम्स आई थिंक, ये आपका फिल इन द ब्लैंक या अदर माध्यम से भी पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ पे सिर्फ स्पेलिंग पूछी गई थी। मैं चाहता हूं कि कॉन्सेंसस को आप ठीक से समझें, जो मोरली अवेयर ऑफ ड्यूटीज, जो अपने कर्तव्यों के बारे में नैतिक रूप से जागरूक हो, उसे कॉन्सेंसस कहा जाता है। गाइज, आप फटाफट लड़कों को जोड़ते रहिए जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, पूरे उत्तर भारत के लड़कों को जोड़ सकते हैं, दिल्ली के लड़के पढ़े, पटना से पढ़े, लखनऊ से पढ़े, कानपुर से पढ़े, जिस शहर से, रांची से पढ़े, जिस शहर से भी बच्चे हों उनको आप जोड़िए, क्योंकि आप ईच एंड एवरी स्टूडेंट नीड टू लिसन टू अस वेरी केयरफुली। आइए हम लोग एक और क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
ऋषि बेटा फोकस करते रहो तुम, फिर बाद में तुमसे पूछेंगे जाते समय, आ जाओ। आई विल पुट सम क्वेश्चंस टू यू कि आप कितने अटेंटिव हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन स्पेलिंग का है, देखो इसके चार ऑप्शन है, इसमें नंबरिंग नहीं हो पाई, लेकिन मेंटेनेंस की स्पेलिंग पूछी गई है। तो अगर हम मेंटेन ऐसे लिखते हैं अगर वर्ब के तौर पे तो एम ए आई एन टी ए आई एन, लेकिन जब हम मेंटेनेंस लिखते हैं तो जरा ध्यान दिए एम ए आई एन टी ई एन ए एन सी ई मेंटेनेंस। ये देखें और ये देखें, ये वर्ब के रूप में है और ये नाउन के रूप में है। तो इन्होंने इसी तरह की उलझन आपके सामने पैदा की है। तो मेंटेनेंस में एम ए आई एन टी ई एम ए आई एन टी ई एन ए एन सी सेकेंड आपका देखें तो करेक्ट है। ये मेंटेन में इन्होंने देखो इस तरह का वर्ब को घुसा दिया बीच में, जबकि मेंटेन एज ए वर्ब स्पेलिंग जरूर है, लेकिन जब एज ए नाउन जाता तो ये टी ए आई एन नहीं है आगे चल के। यही सब सटैलिटीज हैं, यही बारीकियां हैं जिनकी हम बात करते हैं। दीज आर द सटैलिटीज विच वी शुड टेक केयर ऑफ इफ वी रियली वॉन्ट टू हैव सक्सेस इन अवर लाइफ। प्लीज डू टेक केयर ऑफ दीज सटैलिटीज, प्लीज डू टेक केयर ऑफ दीज माइन्यूट फैक्ट्स, ये छोटी छोटी तथ्यात्मक जानकारियों को जिन बच्चों ने बहुत सीरियसली लेना शुरू कर दिया है, उन्हीं बच्चों के जीवन में एक बड़ी सफलता एसएससी के माध्यम से, बैंकिंग के माध्यम से, डिफेंस के माध्यम से आ सकती है। और अगर पढ़ने के नाम पे बस स्मार्टनेस के साथ जबरदस्ती का स्मार्टनेस, जबरदस्ती का अगर शो ऑफ चलता है आपकी लाइफ में, तो आप बहुत दूर हैं सफलता से, बहुत दूर हैं। डरिए थोड़ा, मैं डराता नहीं हूं, लेकिन डरिए सच्चाई से, क्योंकि लाखों लोगों की भीड़ में जाना है आपको, तो बहुत ऑनेस्टली आपको छोटी छोटी चीजों पर नजर रखनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप स्टाइल में जो है बैठ गए कि आज मैं देखो स्टूडेंट के रूप में एक किताब लेके बैठा हूं, इससे कुछ नहीं होता है। यू फाइट विथ ईच एंड एवरी फैक्ट विच इज क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ कंफ्यूजन विच यू फेल टू नोटिस, जिसे आप देख नहीं पाते हैं, जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन दैट फैक्ट। तो बहुत सिंपल सा मेंटेन के साथ जाएंगे। अब आप मेंटेन को लेके, हम लोग जनरली मेंटेन की मीनिंग क्या समझते हैं आप, बनाए रखना। मेंटेन की मीनिंग क्या समझते हैं, बनाए रखना कोई चीज। जैसे अगर हमने ये लिख दिया आई मेंटेन दैट ही इज डिलीजेंट, इसको कैसे पढ़ोगे मेंटेन को आप, आई मेंटेन दैट ही इज डिलीजेंट। यहां पर आप मेंटेन का मतलब बनाए रखता हूं, मैं बनाए रखता हूं कि वह मेहनती है, नहीं, मैं मानता हूं कि वह मेहनती है, मैं मानता हूं कि वो मेहनती है। ये बच्चे कुछ रिएक्शन दे रहे हैं, क्या है इनका जरा देखें। मैं शुरू से आपका वीडियो देख रहा हूं, थैंक यू वेरी मच। ये तो विजय सिंह जी हैं, इन्होंने कई बार फीड कर दिया इसी को, आपका बार मैसेज करो भाई, एक बार मैसेज करो भाई। ओके यस सर, यू बेस्ट टीचर, यस थैंक यू विजय जी। और एनी अदर, मेंटेनेंस की स्पेलिंग दिया इन्होंने बच्चों ने, विजय सिंह में शुरू से, ओके हाँ हाँ बिल्कुल। ज्यादा मैसेज करने के चक्कर में मत रहिए आप लोग, बस आप स्वीट कमेंट एक दो बार दे देते हैं, उसके लिए धन्यवाद आपका। आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग मी सम गुड कमेंट्स, बट यू फोकस ऑन योर स्टडीज प्लीज मोर देन ऑन कमेंटिंग, क्योंकि कमेंट से बहुत नहीं है। हाँ कमेंट थोड़े बहुत करना है कि क्या आपको दिक्कत हो रही, समझ में आ रहा है, इस तरह की चीजें आप देते रहिए। थैंक यू गाइस। और ये जो है वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करते रहिए, इतना सहायता जरूर करते रहिए। मैं मानता हूं कि वह मेहनती है, हाँ मैं मानता हूं कि वह मेहनती है। आदित्य ने देखो मेंटेन को समझ लिया कि मैं मानता हूं कि वह मेहनती है, तो आई मीन टू से कि हमेशा मेंटेन का मतलब रख रखाव ही नहीं है कि रख रखाव है, तो ये भी देखना है थोड़ा आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये जो नेक्स्ट चार शब्द आए हैं, एब्सिजन, एब्सिजन वर्ड जो होता है ये होता है काटने से, टू कट क्रिया, जैसे कोई चीज काट देने के सेंस में आपका एब्सिजन आता है। और स्पेलिंग आपकी राइट कौन सा होगा, ए बी एस, ए बी एस सी आई एस आई ओ एन, तो ए बी एस सी आई एस आई ओ एन आपका थर्ड में। इन्होंने कई तरह से आपको उलझाने की कोशिश की है, स्पेलिंग में ऐसे ही शब्द आते हैं। अगर मैं स्पेलिंग के क्वेश्चंस की बात कर लूं तो कट, कट का मतलब काटना, इसको थोड़ा नोट कर लें। स्पेलिंग का जो क्वेश्चंस आता है वो दो तीन ग्राउंड पे बहुत आता है, जरा मैं आपको बता देता हूं तो आप पढ़ते समय उसका ख्याल रख सकते हैं। यू कैन टेक केयर ऑफ दीज थ्री और फोर फैक्ट्स,
आइए स्पेलिंग पर, एक तो आपका डबल वॉवल वर्ड्स, डबल डबल वॉवल डबल वॉवल वर्ड्स, डबल वॉवल वर्ड्स आपके, एक आपका ये देखने को मिलता है पॉइंट, बहुत सारे होते हैं जैसे आपके एक साथ, जैसे ओ यू है या शब्द में यू ओ है या ई ए है या ए ई है या आई ई है या ई आई है, इस तरह की जो कंफ्यूजन आपको होती है ना, या डबल ई है डबल ओ है, इस तरह की जो कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है, ये आपका डबल वॉवल वर्ड्स में आपको बहुत मिलेगा। तो आपकी हमेशा रीडिंग राइटिंग के दौरान नजर रहनी चाहिए, जब आप कुछ भी पढ़ते हो, कि इस तरह के शब्द जहां आप इस तरह की मात्राएं हों तो उनको जरूर ध्यान रखिए, बहुत नोटिस करिए इन पर। दूसरा इसमें एक पॉइंट आपका, ये सब देखिए करने के लिए तो टीचर ही सब कर देगा, मैं तो अपने प्लेटफॉर्म से आप कहिए तो इसी का कम से कम एक 15 दिन लेक्चर देते रहेंगे कि वो कितने शब्द हैं जिनमें ये मात्रा है, वो कितने इनमें है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं खुद अपने को मजबूत करिए, ये जो प्लेटफॉर्म, जो ये जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप इस तरह की जो घूमते फिरते हैं कि सब कुछ हमें इस तरह से समझे, ये सब चीजें खुद कुछ मेहनत से होती हैं। हमने हिंट कर दिया ना कि इस तरह की डबल वॉवल अगर शब्दों में दिख जाए तो उन पे जरूर मार्क कर लिया करो, मार्कर से मार्क कर लिया करो कि भैया ये थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि ये स्पेलिंग का मामला हो सकता है। इसी तरह का डबल लेटर, जैसे रिपीट लेटर होता है, रिपीटेड लेटर्स वर्ड्स, या फिर जिसमें डबल लेटर होते हैं, डबल डबल टी डबल एम, जैसे कमीशन ही है तो पता लगे सी ओ डबल एम आई डबल एस आई ओ एन, तो डबल एस डबल एम आपको ध्यान में रखना, अंडरलाइन कर लेना चाहिए। इसी तरह से आपको तीसरा पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट देखें, एक हो गया आपका डबल वॉवल वाला, एक रिपीटेड लेटर्स वर्ड्स जो होते हैं जिनमें एक लेटर रिपीट हो रहा है, खासतौर से डबल लेटर हो जाता है, और एक आपका जो है इसमें साउंड वेस्ट, साउंड वेस्ट बहुत डेंजरस है, अगर साउंड वेस्ट वर्ड्स को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं साउंड वेस्ट का आपको एक एग्जांपल दिखा दूं, थ्री का, ये थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो या फिर रिवाइंड करके इनको आप अपना स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन ये चीज आपके पास रहना चाहिए ताकि ये ध्यान रहे कि रीडिंग के दौरान अगर स्पेलिंग के क्वेश्चन सही करना है तो हम ये चीजें ध्यान रखेंगे कि इस तरह के शब्द मिलें तो उनको जरूर रोक लें, अंडरलाइन करें, मार्क करें और थोड़ा ध्यान रखें, या फिर वो हर शब्द जिसकी स्पेलिंग आप लिखने में असमर्थ हैं, व्हेन यू फील दैट यू आर नॉट एबल टू राइट द स्पेलिंग ऑफ पर्टिकुलर वर्ड, यू मस्ट अंडरलाइन दैट वर्ड व्हाइल यू आर रीडिंग एनी न्यूज़पेपर और मैगजीन और एनीथिंग, व्हाटएवर यू आर गोइंग थ्रू, आप अंडरलाइन करते रहिए शब्दों को, क्योंकि मायने ये नहीं रखता कि चार पांच क्वेश्चन आते, मायने रखता है कि ये पांच अगर हमारे यहां से सही निकलते हैं तो हमारी मेरिट औरों से बेहतर जाएगी। एक एक क्वेश्चन की फाइट है बच्चों एग्जाम में, एक एक क्वेश्चन की। इसका जो मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं कि ये जो साउंड वेस्ट होता है वो क्या होता है, इसको आप देखें जरा, यही साउंड था, एफ सीजन लिखना था तो सीजन जो लिखना था वो कैसे है, जैसे कमीशन है तो कुछ कहीं कुछ है उसको लेके आता है, जैसे एक मैं आपको दिखाता हूं, नेशन, यहां सन की साउंड है टी आई ओ एन, फैशन, यहां पे सन की साउंड है ये कमीशन, यहां पे कमीशन की साउंड है ये, तो कहीं ना कहीं जो डबल एस आई ओ एन एस एच आई ओ एन टी आई, तो साउंड वेस्ट बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं एग्जाम में, इसको लेके भी आपको अलर्ट रहना चाहिए। बिल्कुल कमेटी है, एफसीजन है, एफसीजन में ए बी एस सी आई डबल एस आई एन, हाँ बिल्कुल ये थोड़ा हमसे मिस हो गया था, एफसीजन ये ए बी एस सी आई डबल एस आई एन, एफसीजन एक बार इसको, ओके सर एफसीजन होगा बिल्कुल, यस आई डू एक्सेप्ट, थोड़ा सा इस एस में मिस कर गया था, ए बी एस सी आई डबल एस आई एन, एफसीजन का मतलब काटना होता है, लेकिन मैं स्पेलिंग को लेकर जो बता रहा था, ये तीन चार पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डबल लेटर वर्ड, डबल वॉवल वर्ड या फिर साउंड बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो, या एक चौथा और अहम है साइलेंट लेटर वर्ड्स, चौथा है आपका साइलेंट लेटर
वर्ड्स, साइलेंट लेटर वर्ड्स में एक फंडा भी चलता है, अगर कभी नोटिस किए हो आप साइलेंट लेटर में, जैसे अगर आप कोई साइलेंट लेते हैं एच ई डी जी ई हेज, हेज माने झाड़ियां होता है, तो अगर हेज आपने लिया तो ऐसे के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी ई, तो आप अगर देखें इसमें तो डी और जी, तो यानी कहने का आशा हो गया कि डी के बाद जब जी आएगा तो साइलेंट रहेगा, डी के जब बाद जब जी आएगा तो डी साइलेंट रहेगा, नॉलेज। इसी तरह के कुछ और देखें साइलेंट लेटर वर्ड जो होते हैं, इसमें एक आपका हाँ लॉज, एल ओ डी जी ई, तो देखो डी के बाद जी है तो डी साइलेंट हो जाएगा, यहां पे डी यहां पे चला जाएगा, तो एक पैटर्न भी चलता है इसमें साइलेंट लेटर वर्ड्स में। एक बार एक शब्द पकड़ लोगे तो फिर और शब्द खोजना चालू कर दोगे, जैसे सी ओ एल यू एम एन एच वाई एम एन, अगर हम एम और एन पाते हैं एक साथ तो आपका यहां पर एम के साथ अगर एन बैठा होगा तो एन साइलेंट रहेगा। कॉलम हिम, हिम का मतलब भजन, कॉलम का मतलब जैसे न्यूज़पेपर में कोई कॉलम आता छपके उसको भी बोलते हैं, कॉलम का एक मीनिंग होता खम्मा पिलर पोस्ट, तो कॉलम के कई मीनिंग है, लेकिन आपका ये जो साइलेंट लेटर का जो पैटर्न है वो बड़ा मजेदार है। अगर आप कोई भी एक साइलेंट का अगर पकड़ लेंगे तो आप उस तरह के सिमिलर वर्ड्स को खुद खोज सकते हैं, यू कैन फाइंड आउट योर सेल्फ सिमिलर वर्ड्स, क्योंकि वो अपने आप आपको मिलते चले जाएंगे। तो गाइज ये बड़ा ही मजेदार एक्टिविटी भी है, इसको भी इंजॉय करना, थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाओ। घर में रहते हो कई बार आपको लगता है अब हम क्या पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ना चाहिए, तो उस समय ये सब क्रिएटिव टास्क हैं। इस इंग्लिश ओरेकल प्लेटफॉर्म से आपको होमवर्क मिल रहा है कि भाई स्पेलिंग का अब काम हमें अपने जिम्मे लेना है। कब तक आखिर ये जब दूसरों का सहारा लेते फिरेंगे, वैसाखियों पे जीना भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, समझ में आया कि नहीं। तो चार जो पॉइंट हैं स्पेलिंग करेक्शन को लेकर, अगर इन पर आपने अच्छे से काम किया तो आपका स्पेलिंग का क्वेश्चन जाता रहेगा। और पांचवा सबसे अहम यह है कि अब तक एसएससी ने जितना स्पेलिंग का वर्ड्स उठाया हो, जितना शब्द उठाया हो, अब तक 1997 से लेकर 2018 तक स्पेलिंग के वर्ड्स जितने भी आए हों एग्जाम में, स्पेलिंग वर्ड्स इन द एग्जाम, उनकी एक लिस्ट बना लो ना अपनी कॉपी में, एक नोट बना लो। जिन लोगों ने अच्छी मेरिट से सिलेक्शन लिया उनका मैं एक एक्सपीरियंस बता दूं, उनका एंटो का, साइनोनिम का, एंटोनिम का, वन वर्ड का, स्पेलिंग का, ईडियम फ्रेज का, जो उनको परेशान करते हैं, सच वर्ड्स विच ट्रबल देम, उन्होंने उनका लिस्ट बना रखा है, उनकी एक कॉपी उन्होंने बना रखी थी और उसको बस उतना रिवाइज करते थे, तो लगभग 50% क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं। अब आप लिखना ही नहीं चाहते, अरे रात में एक दिन बैठो रात में तो तब तक ना उठो जब तक कि सारा 1997 से लेके 2018 का अपोजिट शब्द एक जगह ना आ जाए। एक रात फिर बैठिए तब तक ना उठिए जब तक कि साइनोनिम के सारे शब्द आपकी कॉपी में ना आ जाए। ये इस तरह का हर्क्यूलियन टास्क आपको परफॉर्म करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि जो सेलेक्टेड बच्चे रहे उनके एक्सपीरियंसेस हमारे साथ हैं, उनके साथ हम जुड़ के बात करते थे कि भाई क्या क्या और एफर्ट तुम डालते हो, किस तरह की कोशिशें करते हो, तो वो ये कोशिशें करते हैं कि 1997 से लेकर 2018 तक एसएससी का जितना वोकैब का क्वेश्चन अब तक आ चुका है उन्होंने पर्सनल नोट्स बनाया है अपना, रातों रात उन्होंने कॉपी किया है एमबी बुक से, दोनों वॉल्यूम से, एंटोनिम साइनोनिम वन वर्ड स्पेलिंग का, जितना भी फ्रेजल वर्ब का, ईडियम फ्रेज का, ये सब उनका नोट डाउन रहा है। यही कारण था कि वो अंडर 100, 24th रैंक, 47th रैंक, 87th रैंक, इस तरह की रैंक बच्चों ने हमारे प्लेटफॉर्म से ली है। उसके पीछे का कारण था कि वो बहुत मेहनती थे और मैं उनको इंस्पायर करता था कि इस लेवल पे जाके बच्चों मेहनत करो, इफ यू वॉन्ट टू इंश्योर अ जॉब फॉर योर सेल्फ, प्लीज आप भी इस तरह की मेहनत करेंगे, मुझे भरोसा है कि आप जी जान लगा देंगे। आपकी बड़ी इच्छा रहती है कि हम अपने मम्मी पापा को एक गिफ्ट दें, फादर्स डे आएगा तो बड़ा इमोशनल हो जाते हैं, अगर सही में फादर्स डे मनाना है तो अगले साल का फादर्स डे मनाइए ना एक सरकारी नौकरी देकर, बहुत सेलिब्रेट करने का तमन्ना रखते हो अगर, तो इफ यू विश टू सेलिब्रेट फादर्स डे मदर्स डे यू ट्राई योर बेस्ट टू हैव अ जॉब, यू पुट इन योर 100% टू हैव अ जॉब, ये गिफ्ट दो ना उनको, अपना जीवन निर्माण का गिफ्ट दो उनको,
तो शायद आप सही अर्थों में अपने पेरेंट्स को एक सही गिफ्ट दे पाएंगे। फालतू नाटक मत किया करो, ये व्हाट्सएप पर ये स्टेटस लगा के, है ना, ये मैसेज डाल के कि फादर्स डे लव यू पापा लव यू मम्मी। अरे काहे का लव यू मम्मी लव यू पापा, पढ़ने की जब बात आती है तो सो जाते हो, पढ़ने की जब बात आती है तो स्पेलिंग का आज तक सारा क्वेश्चन नोट नहीं कर पाए तुम लोग। आज तक तुमने एंटोनिम साइनोनिम के सारे क्वेश्चन कॉपी में, मतलब जो एक कॉपी में, मतलब 100 पेज की कॉपी में जो सारा मैटर आ सकता था उसके लिए तुम तलाश रहे हो कि कोई आ जाएगा हमको पढ़ाएगा तब हम करेंगे। अरे धिक्कार इस तरह की स्टूडेंट लाइफ पर। यू वर्क हार्ड, मैं लड़ूंगा आपसे इस तरह से, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक आप नहीं जागेंगे तब तक कोई प्लेटफॉर्म आपकी मदद नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, ये ऑसिलेट को लेके देखें। ऑसिलेट का मतलब होता है टू मूव, ऑसिलेट जो होता है दोलन करना होता है हिंदी में, लेकिन दोलन करना होता सीधा सीधा विज्ञान का टर्म है, लेकिन टू मूव हियर एंड देयर, यहां वहां मूव करना ऑसिलेट है। ओ एस सी आई, जैसे ऑक्सीजन की स्पेलिंग में ए बी एस सी आई था, इसी तरह ओ एस सी आई, ओ एस सी आई, और क्या स्पेलिंग होगा ओ एस सी आई एल टी ओ एस, ये तो कटेगा, ये भी कट गया, ओ एस सी आई डबल एल टी। बताओ बच्चों ओ एस सी आई डबल एल टी या सिंगल टी, एक बार आप लोगों का भी थोड़ा सा ब्रेन मूवमेंट करवाएं, थोड़ा सा आपकी भी ब्रेन को थोड़ा सा घूमना चाहिए बच्चों। रिस्पॉन्ड करिए, रिप्लाई करिए, बी एक्टिव, बी एक्टिव। नो, आप ऑसिलेट में जाते हैं तो सिंगल टी के साथ जाते हैं, डबल टी के साथ जाते हैं, फटाफट दिमाग लगाइए, विदाउट टेकिंग एनी सोर्स, विदाउट क्रॉस चेकिंग एनीवेयर। सबका आंसर फर्स्ट आ रहा है, नो डबल टी तो नहीं होता, डबल टी क्यों नहीं, ओ एस सी आई डबल एल ए टी ई, ऑसिलेट यानी कि दोलन करना, ऑसिलेट को दोलन करने के सेंस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं बच्चों। तो बहुत बच्चों ने एकदम करेक्ट जवाब दे डाला है, सम गाइज आर वेरी स्मार्ट, दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, गाइज वेल डन। अखिलेश कुशवाहा हैं जो फर्स्ट दिए, गीतेश, गीतांजलि चौहान, नंबर ऑफ गाइज जो है वो करेक्ट जा रहा है, ओ एस सी आई डबल एल ए टी, तो ये आपका तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे ओ एस सी आई डबल एल ए टी। अगला क्वेश्चन देखें क्या है, परस्पिकेशस, परस्पिक्यूअस या परस्पिकेशस, तो आप इसमें अगर जाते हैं तो पीई आर, पहले हम बच्चों से रिएक्शन लेते हैं, बच्चों परस्पी केसस के साथ जाइए फटाफट, परस्पी केसस की स्पेलिंग जो भी है आप राइट ऑप्शन दीजिए, इसका राइट ऑप्शन के साथ जाइएगा इसमें। गाइज रिप्लाई, रिप्लाई सून, कम ऑन गाइज, आपकी रिएक्शन आना चाहिए। परस्पी केसस, फिर एक बार बच्चे देखो, देखो पी ई आर एस पी आई, पी ई आर एस पी आई सी ए सी आई ओ यू एस, पी ई आर एस पी आई सी ए सी आई, ये गलत हो जाएगा, पी ई आर सी आई परसीपेस नहीं होता है, पी ई आर एस पी आई सी ए सी आई, ये आपका करेक्ट होने वाला है। तो गाइज इसमें आपका आंसर बिल्कुल थ्री, थर्ड आपका उत्तर था, करेक्ट था, लेकिन इसकी मीनिंग भी समझ लें, टू बी एबल टू अंडरस्टैंड, टू बी एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग क्विकली एंड क्लियरली, किसी चीज को हम तेजी से और साफ तौर से समझने की क्षमता रखते हैं, तो एक एडजेक्टिव हम प्रयोग में ला सकते हैं, परस्पिकेसस, पी ई आर एस पी आई, पी ई आर एस पी आई सी ए सी आई एस। प्लीज इसकी इंटरप्रिटेशन जरूर नोट कर लें, बिल्कुल करेक्ट इंटरप्रिटेशन एडवांस लर्नर्स है, टू बी एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग क्विकली एंड क्लियरली, किसी चीज को बहुत तेजी से और आसानी से समझने के लिए आता है, यानी क्लियर, बिल्कुल एक शब्द छोटा सा डालना चाहें तो परस्पिकेसस को हम चाहें तो क्लियर, कॉन्स्पिक्यूअस
ये वर्ड भी एग्जाम में आया है, परस्पिकेसस का क्लियर भी आया है, कॉन्स्पिक्यूअस भी आया है, कैटेगोरिकल भी स्पष्ट के लिए आता है। इन तीन शब्दों को और फटाफट अपने साथ जोड़ो, परस्पिकेसस, क्लियर, कॉन्स्पिक्यूअस और कैटेगोरिकल, स्पष्ट, प्लीज इनको भी अपने साथ ऐड कर लें आप लोग। वेरी गुड, अच्छा कर रहे हैं आप लोग, फटाफट नोट करते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, ये आइडियम फ्रेजेस हैं आपके, इनके बारे में भी थोड़ा मीनिंग लेते रहे हम लोग। द स्कैंडल, स्कैंडल का मतलब कुछ भी, चाहे तो घोटाला पढ़ लें या कोई भी गलत काम जो होता है, गलत कार्य। स्कैंडल वॉज स्वेप्ट अंडर द रग, इसको छिपा दिया गया, स्वीप अंडर द रग, किसी चीज को छिपा देना, बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंट पीपल इन्वॉल्व इन इट, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण लोग इसमें इन्वॉल्व थे, लिप्त थे। जैसे इन्वॉल्व का इन थोड़ा ध्यान रखो, इन्वॉल्व इन समथिंग को जरूर याद रखो, स्कैंडल का मीनिंग, स्पेलिंग भी। अब देखो यहाँ पे स्कैंडल में ऐसे फंसा देगा स्पेलिंग के द्वारा, SCANDLE, SCANDEL, SCANDAL और SCENDAL। जरा स्कैंडल को देखो कैसे उलझाते हैं साउंड के आधार पर बच्चों, एक क्वेश्चन का नमूना देख लें आप लोग, साउंड के आधार पर किस तरह फंसा देते हैं। और अगर हम ध्यान ना दें तो ये बड़ा छोटा लगा था अभी हमें, क्या भाई हटाओ यार, ये तो बहुत छोटी बात थी, जाने दीजिए, बस इसी से लड़ाई है मेरी। आई फाइट विद दिस माइंड सेट, आई फाइट विद दिस मेंटेलिटी, कि अगर ये मेंटेलिटी मेंटेन कर रहे हैं आप, अरे ठीक है यार हटाओ, बहुत बात करते हो आप, बहुत समझाते हो, कुछ नहीं ऐसा होता है, ये स्पेलिंग आपको फंसा सकता था अगर इस तरह से उलझा दिया जाता तो। फिर एग्जाम में आप नाचते, यू विल डांस इन द एग्जाम, अगर एक छोटी चीज पर आपकी नजर ना होती तो। तो ये जो गला फाड़ फाड़ के आपसे मैं बात कर रहा हूं ना, इसके पीछे मेरी गहरी मंशा है कि आप पढ़ाई के प्रति ईमानदार हो जाओ। मुझे कोई शौक नहीं है कि मेरा बहुत नाम हो जाए, मुझे कोई शौक नहीं है मुझे इस समय की बहुत नाम हो जाए, मुझे सबसे ज्यादा शौक है कि आप अपनी करियर के प्रति, अपने जीवन के प्रति ईमानदार हो जाइए। डियर स्टूडेंट्स, मुझे तो जो मिलना था वो मिल चुका है, आई एम इन पोजिशन टू सर्वाइव, आई एम इन पोजिशन टू कैरी ऑन माई लाइफ, यू नीड टू अंडरस्टैंड वॉट आई एम सेइंग, आप समझिए कि मैं क्या कह रहा हूं, कि छोटी चीजें क्यों इग्नोर करते हैं आप लोग। हर छोटी चीज को फोकस करके पढ़िए, समय लगने दीजिए लेकिन धीरे धीरे पढ़िए, समझते हुए पढ़िए। द स्कैंडल वॉज स्वेप्ट अंडर द रग बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंट पीपल इन्वॉल्व इन इट, और बिकॉज यहां कंजंक्शन नहीं है, क्योंकि किसी भी कंजंक्शन के बाद तो एक टेंस आता है, आगे कोई टेंस वेंस तो है नहीं, तो बिकॉज ऑफ एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज के कारण से, क्योंकि बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंट पीपल, हाँ इसमें आपका एक डाला इन्होंने इन्वॉल्व इन इट, बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग शामिल थे, सॉरी। तो इसमें आपको सिंपल इतना भी जाता, द स्कैंडल स्वेप्ट अंडर, ये ऑफ की जरूरत नहीं, बिकॉज मे भी छपाओ, बिकॉज द इंपॉर्टेंट पीपल इन्वॉल्व इन इट, नो इसमें बिकॉज ऑफ ही आएगा, ये सेंटेंस के तौर पर नहीं जाएगा, एक फ्रेज के तौर पर आएगा, बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे इस कारण से, यस इट इज अ प्रेपोजिशनल फ्रेज, इसको ऑफ को बनाए रखेंगे। अब हम आपका यहां पर देखें तो इन्वॉल्व के बाद इनको भी मैं चाहता हूं कि आपकी नजर में रहे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन चुका है, इन्वॉल्व इन समथिंग होता है तो ये भी अक्सर बन जाता है, फिल इन द ब्लैंक, हमारी नजर है फिल इन द ब्लैंक, क्लोज टेस्ट और अदर क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन के थ्रू कई क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने की कोशिश है। तो स्वीप अंडर द रग का अगर सही मीनिंग देखे तो ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, ये भी एग्जाम में आ चुका है, ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन का मतलब होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना, ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो होता है ना बच्चों, एग्जैजरेट, किसी चीज को हाइपरबलाइज, बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, जरा नोट कर लें इसको भी, ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के पेश करना, एग्जैजरेट करना या हाइपरबलाइज करना भी होता है, बढ़ा चढ़ा के पेश करना। हैवीली पब्लिसाइज्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा प्रकाशित करना या लोगों में फैला देना, इस सेंस में पब्लिशाइज आएगा। फॉरगॉटन बाय द पीपल इजीली, इसका कोई मतलब नहीं, आसानी से लोगों के द्वारा भुला देना, लेकिन कंसील्ड फ्रॉम अदर्स, दूसरों से छिपा लेना, कंसील यहां पे जो आया है, हाइड कर लेना, छिपा लेना दूसरों से, ये आपका सही ऑप्शन है, क्योंकि स्कैंडल को छिपा लिया गया क्योंकि महत्वपूर्ण लोग इसमें इन्वॉल्व थे,
महत्वपूर्ण लोग इसमें लिप्त थे, इसलिए इसको छिपा लिया गया, हाइड कर लिया गया। गाइज आप लोग लेट मत आया करो, लाइव जल्दी से टाइम पे आया करो, 5 बजे से क्लास चलता है बच्चों, आपका भी बहुत फायदा होगा। एक क्वेश्चन से हम लोग 2-3-4 क्वेश्चन आगे के तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए प्लीज मुझे कोऑपरेट करें। तो ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन का मतलब एग्जैजरेट या हाइपरबोलाइज है, और हमारा इसका राइट ऑप्शन आपका जाने वाला था, सही आंसर है 4th, ये करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि मामले को छिपा दिया गया दूसरों से, कंसील फ्रॉम अदर्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, 12, द पुलिस वेंट थ्रू द एविडेंस। पहले तो हम चाहते हैं कि द पुलिस सब्जेक्ट है, वेंट थ्रू आपका यहां फ्रेजल वर्ब है, गो थ्रू किसी चीज को देखना, समझना, पढ़ना, इस सेंस में गो थ्रू जाता है, समझने के सेंस में आई हैव गॉन थ्रू इट, मैं इसको देख चुका हूं, मैं इसको पढ़ चुका हूं, इस सेंस में बिल्कुल गो थ्रू आता है। उसका सेकेंड फॉर्म वेंट थ्रू है, तो इसको सीख लो पहले, तो गो थ्रू, जैसे आप कोई किताब पढ़ चुके हैं, आई हैव गॉन थ्रू द बुक, मैं उसकी बात को पूरा सुन चुका हूं, समझ चुका हूं, आई हैव गॉन थ्रू हिज पॉइंट्स, आई हैव गॉन थ्रू हिज पॉइंट्स, मैं उसकी बातें सुन चुका हूं, समझ चुका हूं क्या कहा उसने। तो ये गो थ्रू को आप ध्यान में रखेंगे, गॉन थ्रू द एविडेंस विद अ फाइन टूथ कॉम, ये आपका यहां पे फ्रेज है, विद अ फाइन टूथ कॉम होता है सावधानी पूर्वक, विद अ फाइन टूथ कॉम मतलब सावधानी पूर्वक, यानी केयरफुली, अटेंटिवली, अटेंटिवली किसी चीज को सावधानी पूर्वक, तो बेस्ट आंसर आपका यहां पे केयरफुली जाएगा। पुलिस ने साक्ष्य, एविडेंस का मतलब होता है साक्ष्य, जो किसी भी अपराध के साक्ष्य मिलते हैं ऑन द स्पॉट, उनको पुलिस ने बहुत ध्यान से देखा समझा है, बहुत ध्यान से उनको समझा है, उनको स्टडी किया है, उनका अध्ययन किया है, सेंस में भी जा सकते हैं गो थ्रू से। केयरलेसली लापरवाही से, हेस्टली मतलब होता है जल्दी जल्दी से, शीघ्रता से, और अननेसेसरली अनावश्यक रूप से, अनावश्यक रूप से, इन शब्दों से भी जुड़ जाइए, काम करेंगे आगे, कभी हमें बोलना हो कि अनावश्यक रूप से मत बोलिए, डोंट स्पीक अननेसेसरली, जल्दी से इस काम को करिए, डू इट हेसिली, डू इट हेसिली, यहां पे आपका टी साइलेंट है ना, तो डू इट हेसिली, जल्दी से काम करिए। तो केयरलेसली का भी स्पीकिंग में यूज करो, हेसली का करो, केयरफुली का करो, अननेसेसरली का करो, एंजॉय करो। देखो बेटा एक चीज बताएं, लर्निंग के वाइल यू आर लर्निंग समथिंग, यू शुड बी इन हैबिट ऑफ एंजॉयिंग इट, आप इसको जितना एंजॉय करते जाएंगे बच्चों ना, उतना आपके साथ इजी मतलब बहुत ही नेचुरल तरीके से आपके साथ जुड़ता जाएगा। और जितना आप अंडर प्रेशर जाएंगे कि इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, जैसे कई लोग शुरू किए रही और नौटंकी चालू, इतना पढ़ना है, इतनी इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, अरे भैया तो हर महीने 70,000 रुपए भी तो मिलेंगे आपको, तो इसको क्यों भूल जाते हो। तो जब आपके लिए इसके आगे इसके बेटर रिजल्ट्स हैं, तो मेहनत करने से क्यों भागते हैं हम लोग। जरा सोचो जिनके पास रोजगार नहीं है, 500 रुपए रोज कमाने के लिए जी जान लगानी पड़ती उनको, और जिंदगी भर लगानी पड़ती है, जिंदगी भर लगाते हैं। फिर जो लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं वो जिंदगी भर फिर रगड़ते हैं, नाक रगड़ना जिसे बोलते हैं वो करते हैं। अगर 1 साल 2 साल एज ए स्टूडेंट अगर हमने अगर जी जान लगा दिया, अगर ईमानदार हो गए अगर हम अपने प्रति, तो जिंदगी भर शान से टाइप लगा के सूटेड बूटेड होकर परफ्यूम मार के घूमेंगे गाड़ियों से। तो यार ये डिसीजन तो आपको लेना है कि मेहनत करना है कि नहीं करना है। नाटक मत करो लेकिन कि हमें मेहनत नौकरी भी चाहिए और मेहनत भी नहीं करनी है, ये डबल नहीं चलेगा। तो इनको आप नोटिस कर लेंगे बच्चों, अगला देखें। 13, द कंपनीज वाइस प्रेसिडेंट इन चार्ज ऑफ मार्केटिंग वॉज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। कंपनीज वाइस प्रेसिडेंट, कंपनी का जो वाइस प्रेसिडेंट था और वो इन चार्ज ऑफ मार्केटिंग, ये एडजेक्टिव फ्रेज इसका, तो मार्केटिंग के इंचार्ज, कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट, जो मार्केटिंग का इंचार्ज कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट, वॉज वॉकिंग अप द रॉन्ग ट्री। ये वॉक अप द रॉन्ग ट्री का जो मीनिंग आता है बेसिकली वो होता है अपनी कोशिशों को गलत दिशा में ले जाना। वैसे भी रॉन्ग शब्द से आभास हो सकता था, वॉक अप द रॉन्ग ट्री यानी ये अपने एफर्ट्स जो है वो गलत जगह लेके जा रहा है, मिस डायरेक्टिंग हिज एफर्ट्स, अपने प्रयासों को गलत दिशा में ले जाना। तो वेस्ट वंस एफर्ट्स
अपने प्रयासों को बर्बाद कर देना, यह है बाक ऑफ द रॉन्ग ट्री, बाक ऑफ द रॉन्ग ट्री। देखो हमेशा जब जैसे ये शब्द पढ़ते हैं ना बच्चों, तो थोड़ा आदत में अभी से लिए रहोगे तो बाद में करोगे तब पढ़ने में मजा भी आएगा, नहीं तो आगे जो है बार्क बार्क करोगे आप। तो ऐसे वर्ड्स जिनमें आर के बाद कॉन्सोनेंट होता है वहां पर आर को साइलेंट कर दिया करो हमेशा। थोड़ा इसको मतलब ये छोटी चीजें, देखो अभी ट्रेनिंग का दौर है, अभी से ट्रेनिंग में हर चीज लोगे तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगा। कई टीचर्स को मैं सुनता हूं कि वो इंग्लिश बोलते हैं लेकिन इतना धुआं करते हैं उसको, इतना खतरनाक तरीके से बोलते हैं, विश्वास करिए कि मुझे बड़ा अचरज होता है कि ये बच्चों को अगर पढ़ाएंगे तो ये तो बर्बाद कर देंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे बच्चे जो है टीचर को भगवान मानते हैं, एकदम उसको आइडल मानते हैं कि आइडियल मानते हैं कि अगर जो टीचर बोल रहा वही सही है। और आप मायावी टीचर हैं, आपने अंग्रेजी ठीक से तैयार नहीं की है और आप पढ़ाने लग गए। क्यों? क्योंकि कमजोर इतने बच्चे हैं, ज्यादा इतने ज्यादा कमजोर हैं कि आप 2-3 साल तो कुछ भी पढ़ा सकते हो उनको। हाँ 2-3 साल आप कुछ हो पढ़ा सकते हो उनको, पता तो उनको तब चलता 2-3 साल बाद कि हम तो सबसे उल्टा सीधा पढ़ रहे थे सबका सब। जब उन्हें थोड़ी समझ आ जाती है अपने दम पर, रगड़ते रगड़ते नाक रगड़ते, तब तक ये खेल खेलते रहते हैं आपके साथ। तो ऐसे में उच्चारण पर भी ध्यान रखना है, स्पीकिंग पर भी ध्यान रखना है, लिखने पर, अंग्रेजी में कुछ मन करे तो लिख सके हम सेंटेंस बना बना के, इन सब चीजों की प्रैक्टिस भी आप साथ साथ करिए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी आपको फेस करना है। आपको स्पीकिंग की जरूरत पड़ेगी अपने डिपार्टमेंट में जब आप जॉब कर रहे होंगे, व्हेन यू विल बी सपोज टू डील विद सम पीपल फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, उनसे बातचीत का मौका मिलेगा तो वहां पर अंग्रेजी भी बोलनी पड़ेगी। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज के जो लेटर्स आते हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, उनको जब आप पढ़ना पड़ता है सचिवालय दिल्ली में, जो लड़के बैठे हमारे बताते हैं कि वहां पर बड़ी, जैसे WHO की रिपोर्ट आ गई, उसको आपको दे दिया सेक्शन ऑफिसर के रूप में कि जाइए इसकी ब्रीफिंग करके ले आइए, आपके अधिकारी ने दे दिया, तो आपको ही तो पढ़ना पड़ेगा भाई। तो थोड़ी सी क्षमता मतलब इंजॉय भी करिए कि ये तो हमारे जीवन का हिस्सा है। इंग्लिश अगर हमारी अच्छी होती है तो दिस इज द पार्ट ऑफ अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो चीजें सब पकड़ना है सेंटेंस में, जो भी आ जाए सीखो। कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट जो मार्केटिंग का इंचार्ज था, हमेशा एडजेक्टिव फ्रेज को चाहे तो सेंटेंस बना दो और चाहे नाउन से जोड़ के मिला के पढ़ दो। मार्केटिंग के इंचार्ज कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट जो है वो गलत दिशा में अपने प्रयास कर रहा था। व्हेन मेड हिज सेल्स पिच टू द कस्टमर, व्हेन ही कर दे यहां पे, थोड़ी सी प्रिंटिंग प्रॉब्लम हमारे टाइपिस्ट कर दे ना बीच बीच में। ही मेड हिज सेल्स पिच टू द कस्टमर इन मुंबई, जब उसने अपनी सेल्स को थोड़ा सा पिच किया, मतलब यहां तेजी लाना होता है, जब जैसे कोई चीज अगर आपको बेचना है तो थोड़ा सा अपनी चीजों को आप पिच करते हैं टू द कस्टमर, ग्राहक को इन मुंबई, तो उस समय वो गलत दिशा में अपने प्रयास कर रहा था, तो मिस डायरेक्टिंग हिज एफर्ट्स आपका यहां पर सही होगा। यहां देख ला मेड हिज सेल्स पिच, अपनी सेल को बढ़ाना यानी अपनी सेल को प्रमोट करने के लिए कस्टमर से जब वो डील कर रहा था उस समय वो अपने प्रयास गलत दिशा में डाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका, द किड कुड नो लॉन्गर स्टेव ऑफ हिज हंगर, किड का मतलब बच्चा होता है छोटा सा, बच्चा बहुत देर तक भूख नहीं टाल सकता था। अब यहां स्टेव ऑफ टालने के सेंस में आएगा, टालना। बच्चों शब्दों का बहुत खेल है, शब्दों की बारीकी का ही खेल है लैंग्वेज, लैंग्वेज में शब्दों के डिफरेंसेज का ही खेल है। अब हम टालना और बचना कभी कभी एक कर देते हैं जबकि ऐसा नहीं है। बचना अलग है, जब हम बचते हैं तो हम कोई चीज प्रॉब्लम है उससे हम बच रहे हैं, बचना होता है, कोई समस्या उससे भाग रहे हैं, उस सेंस में आपका आता है। और जब हम टाल देते हैं किसी चीज को तो मतलब होता है डिले या फिर डिफर, डिफर, हालांकि शब्द के प्रयोग में फर्क आएंगे। हम हमेशा इस बात को बोलते हैं डोंट फॉरगेट द पॉइंट व्हेन वी राइट बेस्ट एक्सप्रेस वर्ड्स, इट डज नॉट मीन दैट दे आर 100% बेस्ट एक्सप्रेस, दे कैन बी डिफरेंट इन टू डिफरेंट सेंटेंसेस, दो अलग अलग वाक्यों में वो अलग अलग हो सकते हैं। ऐसे में आप बहुत पर्यायवाची के नाम पर उनको 100 में 100% जोड़ने की कोशिश मत करें, लेकिन एक दिशा में, डिले डिफर डिली डैली। डिले डिफर डिली डैली टाल देने के सेंस में जो आपके आते हैं, जो वर्ड्स बेसिकली आपको यहां पे लेना चाहिए, डिले भी ले सकते हैं, डिफर भी ले सकते हैं, डिली डैली भी ले सकते हैं आप टाल मटोल करने के लिए। अच्छे अब हम एडजर्न को ले लें अगर यहां पे, तो ये टाल देने के लिए जब आता है ADJOURN एडजर्न,
ये जब हम टालने की बात करते हैं तो कोई बैठक, मीटिंग या कोई सदन का सत्र हो उसको टालने के सेंस में खास तौर से आता है। और एक प्रोक्रेस्टिनेट आता है, PROCRASTINATE, प्रोक्रेस्टिनेट भी टाल देने के लिए आता है। तो डिले, डिफर, डिली, डेली, एडजर्न और प्रोक्रेस्टिनेट जैसे शब्दों को, किसी चीज को टाल देना, किसी चीज का समय आगे बढ़ा देना। अब इन्हीं चीजों में जाएं तो पोस्टपोन वर्ड को हम लोग लेते लेते हैं, और फिर पोस्टपोन लेते हैं तो पुट ऑफ को भी ले लेते हैं, ये भी टाल देने के लिए आते हैं। तो शब्द जरूर नोट करेंगे, लेकिन डिक्शनरी से मेहनत करते रहेंगे, शब्दों के प्रयोग जरूर चेक करते रहेंगे कि प्रोक्रेस्टिनेट के एग्जाम्पल एडवांस लर्नर में क्या है, एडजर्न के एग्जाम्पल क्या है, डिली डैली के क्या है, पुट ऑफ के क्या है, पोस्टपोन के क्या है, डिले के क्या है और डिफर के क्या है, जरूर चेक किया करो। ये अगर जान लगा दिए आप लोग, पर्यायवाची की जो लिस्ट टीचर्स बना देते हैं ये तुम्हें इतने बड़े खतरे में डाल देते हैं कि फिर वहां से बच्चा निकल ही नहीं पाता है। कभी भी किसी टीचर को पर्यायवाची की लिस्ट देते समय हमेशा ये बोल के लिस्ट देना चाहिए कि भाई इन शब्दों को मैं लिख दिया हूं कि एक दिशा में है, इनकी मीनिंग लगभग एक जैसी है, लेकिन अगर आपको क्लोज टेस्ट में, इंप्रूवमेंट में अगर ये फर्क पूछा जाए तो इनके लिए एग्जाम्पल पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आप एडवांस लर्नर्स में इन प्रत्येक शब्द का आज होमवर्क भी करिएगा, एग्जाम्पल जरूर पढ़िएगा कि प्रोक्रेस्टिनेट को किस सेंटेंस में डाला गया है, उस सेंटेंस की मीनिंग क्या है, डिली डैली को किस तरह के सेंटेंस में डाला गया, उसकी मीनिंग क्या है। प्लीज कोशिश करिएगा। मेरे देखो कहा जाता है ना, ये बताइए जो ओलंपिक में जो भी एथलीट जाते हैं या जो भी खिलाड़ी जाते हैं ओलंपिक में जो पार्टिसिपेट करते हैं, क्या दिन और रात उनका जो कोच होता है वो एकदम उनके आगे पीछे लगा रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो उनको एक निश्चित फॉर्मेट दे देता है कि आपको इस तरह की ट्रेनिंग जारी करनी है, इस तरह की ट्रेनिंग करनी है लगातार। इसके बाद जो प्लेयर होता है वो 6-6 घंटे, 3-3, 4-4 घंटे नॉन स्टॉप उस पर प्रैक्टिस करता है, तब जाके वो ओलंपिक के या ऐसे नेशनल इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी बनता है। ये थोड़ी कि कोच जो है वो हर जगह लगा रहेगा कि अब तुम कितने बजे सोए हो, कितने बजे जगे हो, तुमने कितना वर्ड तैयार किया। यहां पर आपकी जिम्मेवारी बनती है कि तरीका अगर आपको पता चल गया है कि सिमिलर वर्ड्स मिलते ही हमारी ड्यूटी बन जाती है कि हम उनको एडवांस लर्नर्स में उनके एग्जाम्पल्स जरूर पढ़ेंगे और उनके बीच का डिफरेंस जरूर तलाशेंगे, प्लस इन शब्दों की इंटरप्रिटेशन भी पढ़ेंगे कि डिले की व्याख्या क्या है, डिफर की क्या है, प्रोक्रेस्टिनेट की क्या है, इसकी व्याख्याएं भी डिक्शनरी में पढ़ेंगे। मेहनत होगी, मेहनत होगी, लड़ाई ज्यादा है, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तो हम लाखों लोगों में अलग होंगे। अरे वी हैव टू बी द स्पेशल वन अमंग लैक्स ऑफ कैंडिडेट्स। तो वहां पर हमें जब तरीका पता चला है तो कुछ लोग यहीं सीमित हो जाएंगे। कुछ बच्चे हैं जो 2-3 शब्द लिख के अपने को समझ लेंगे हमारी तैयारी हो गई, कुछ इन सबको लिख लेंगे, कुछ इनके अलावा अपने से भी खोज लेंगे, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इनको खोज लेंगे, इनके एग्जाम्पल पढ़ लेंगे, इन शब्दों के बीच की व्याख्याओं को पढ़कर उसका फर्क देख लेंगे और वो नोट्स बना लेंगे। उन बच्चों का लाखों में एक उन्हीं को कहा जाता है, लाखों में एक बनना है ना। आप बहुत बोलते हैं अपने मम्मी पापा से मैं लाखों में एक हूं, तो उसके तरीके हैं कुछ होने के। लाखों में एक होना है तो कुछ तरीके हैं डिफरेंट काम करने के, वो करते रहिए आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका। तो इसका तो आपका राइट आंसर जाएगा, स्टेप ऑफ का डिले होगा। बच्चा बहुत देर तक अपनी भूख नहीं टाल सका, मतलब बहुत देर तक वो इंतजार नहीं कर सका कि खाली पेट बैठा रहे, तो ये सेंस में आपका स्टेप ऑफ आया है। आई होप कि आप इसको ध्यान रखेंगे। हाँ, बहुत ही अहम क्वेश्चन था वो, 14। अब 15 पे आ जाए, द प्लेन। अब देखो हम लोग शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाते, PLANE, PLANE, PLAIN, साउंड सिस्टम इतना खराब है लोगों का, जब इसको बोलेंगे तब भी प्लेन, जब इसको बोलेंगे तब भी प्लेन, मतलब कुछ तो फर्क करो। ये है प्लान, AN, AN, प्लान, AN, ये है प्लेन जहाज, और ये भी प्लेन है ना मैदान के लिए। तो प्लेन, ये प्लेन है, ये प्लान है, और ये प्लान, ये प्लेन और ये प्लेन, इसकी थोड़ी कम डिफरेंस है लेकिन ये साफ तौर पर प्लान होता है। ये योजना है, ये जहाज है, और ये समतल मैदान है। अब जरा सोचो, छोटे छोटे डिफेंस के एग्जाम होते ना, जैसे एयरफोर्स वगैरह में एक्स और वाई क्या क्या होता है, उनमें यही फर्क पूछ लिया जाता है। किसी सेंटेंस में एक ऐसा सेंटेंस डालेंगे जिसमें हमें जहाज का सेंस देना है,
जैसे आई सॉ ए हॉवरिंग ओवर माई हाउस, ए बी सी, जरा इसको थोड़ा जल्दी से जवाब दे दो जरा। आई सॉ ए हॉवरिंग ओवर माई हाउस, आई सॉ हॉवरिंग ओवर माई हाउस। अब हॉवर ओवर हम बाद ही में बताएंगे, पहले आप इसका जवाब दे दीजिए। गाइज हु आर लाइव, एक क्वेश्चन आपको मिल रहा है, फटाफट इसका जवाब दे दें। एक ए बी सी ऑप्शन दिया मैंने, तीन शब्द है, प्लान प्लेन प्लेन, और मैंने एक क्वेश्चन डाला है आई सॉ ए हॉवरिंग ओवर माई हाउस। विच ऑप्शन यू वुड लाइक टू गो? जल्दी से जवाब दोगे तभी आगे बढ़ेंगे। किस ऑप्शन पर आप जाना चाहेंगे इसमें? हाँ देखो जवाब आने लगा, अमन सिंह, ऋषभ वर्मा। अरे सभी लोगों को एक साथ जवाब डालना चाहिए था यार, आप इतने निष्क्रिय कैसे हो सकते हैं? फटाफट सबका जवाब आना चाहिए था। ऋषभ, रंजीत, शनि, सभी का जवाब आया है कि ये जहाज शब्द डालिए। क्यों? क्योंकि वो बच्चे शायद ये समझते हों, शायद मुझे समझ में आता है कि समझ, हॉवरिंग ओवर का मतलब होता है मंडराना, ऊपर उड़ना, तो हॉवरिंग ओवर, HOVERING, प्लीज इसको नोट कर लेंगे, हॉवरिंग ओवर। हॉवरिंग ओवर का मीन्स होता है मंडराना, ऊपर उड़ना। तो मैंने अपने घर के ऊपर एक मंडराते जहाज को देखा, उड़ते जहाज को देखा। गुड, राइट, आप सभी का सही उत्तर था। लेकिन एक चीज और सीख गए हम बात बात में, सीखे कि नहीं? हॉवरिंग ओवर, अरे बच्चों इसको नोट कर लो, हॉवरिंग ओवर कभी ये काम करेगा, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आप एक्सपर्ट की चर्चा सुनते रहो तो ना जाने कौन सा पॉइंट एग्जाम में आपको दिख जाए, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा कि अरे ये तो मुझे सुनाया गया था, इस पर तो सर ने क्वेश्चन तक बना दिया था हमारे लिए, तो ये तो कभी नहीं भूलने वाला मुझे। इसलिए प्लीज नोटिस करें, अभी मैं बात करता हूं इस पर। द प्लेन टू बिल्ड द न्यू रेलवे लाइन थ्रू द पार्क, आ रहा इसको, ये जो सेंटेंस है ये काफी लंबा हो रहा है, वेंट यहां पे मेन वर्ब है, तो आखिर इतनी लंबाई सब्जेक्ट की कैसे हो गई? तो फिर वही बात, असली वाला नाउन तो यही है, असली वाला नाउन तो प्लेन है ना। टू बिल्ड द न्यू रेलवे, तो जहाज कैसा? टू बिल्ड द न्यू रेलवे लाइन थ्रू द पार्क, यहां पे प्लान होना चाहिए था, ये गलत छपा है भाई हमारे, सॉरी इसके लिए। ये शब्द था PLAN, प्लान, आई एम सॉरी हियर, द प्लान टू बिल्ड द न्यू रेलवे लाइन, ये है कपिल की मिस्टेक। ऐसी कई जगह वो प्रूफ रीडिंग में भी कई बार मिस कर जाते हैं हमारी टीम के लोग। द प्लान है बच्चों यहां पे PLAN, द प्लान टू बिल्ड द न्यू रेलवे लाइन, नई रेलवे लाइन बनाने की योजना, थ्रू द पार्क, पार्क के माध्यम से नई रेलवे लाइन बनाने की योजना। बच्चों अगर यहां पे एक चीज एंजॉय कर लो तो मुझे बड़ी खुशी होगी प्यारे बच्चों, ये जो प्लेन शब्द था, प्लान जहाज, सॉरी योजना, द प्लान टू बिल्ड द न्यू रेलवे लाइन थ्रू द पार्क आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। यहां से टू बिल्ड से लेके और यहां तक, क्यों? क्योंकि ये हमने चित्र बनाया है कि किसी नाउन के बाद टू क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया का ING फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये सब एडजेक्टिव फ्रेज बन जाते हैं। तो एडजेक्टिव फ्रेज जब बनता है तो उसको हम पीछे से पढ़ना चालू कर देते हैं। तो एक बार ध्यान से सुन लीजिए आप अच्छे से, पार्क के माने पार्क के बीच नया रेलवे लाइन बनाने की योजना, वेंट ओवर लाइक अ लेड बलून, वो जो योजना थी वेंट ओवर लाइक अ लेड बलून, लेड बलून की तरह अगर योजना चली जा रही है, गो ओवर लाइक अ लेड बलून, तो होता फेल टू अराउज सपोर्ट, यानी फेल हो गई, असफल हो गई, कोई सपोर्ट उसे नहीं मिला, किसी का उसे सपोर्ट नहीं मिल पाया, फेल टू अराउज सपोर्ट। पार्क के बीच नई रेलवे लाइन बनाने की योजना को कोई भी सपोर्ट नहीं मिल पाया, फेल टू अराउज सपोर्ट। अब यहां पर हम लोग क्वेश्चंस को थोड़ा क्लोज करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम लोग आगे बात करेंगे। बच्चों हम लोग इसकी संख्या ना गिने, ये सहयोग आपको इंग्लिश ओरेकल प्लेटफॉर्म को देना होगा,
क्योंकि हम लोग यहां से क्वेश्चन ज्यादा कवर करते हैं, एक क्वेश्चन से जो और चीजें उनकी तरफ ज्यादा कोशिश करते हैं समझाने की, तो थोड़ा सा धैर्यपूर्वक चलते रहिए, जितना पढ़िए ईमानदारी से पढ़िए, और आपको कोई रोका थोड़ी है। आप अपने रूम पर, अपने घर पर, जहां पर भी हो, आप अपनी ओपन योर बुक, स्टडी ऑन योर ओन, आप पढ़ते रहिए। जब मैं आपके साथ आऊंगा आगे आगे, जहां आपकी कंफ्यूजन्स हैं, आप वहां पे सुनते रहिए, रिवाइज मेरे साथ करते रहिए। तो आप घर में भी मेहनत करिए, स्टडी एट होम अलोंग विद, स्टे लाइव विद मी, सो दैट आपकी तैयारी ज्यादा तेजी से चल सके। थैंक यू। न्यूज पेपर की तरफ चलते हैं बच्चों, आइए न्यूज पेपर पे बात करते हैं। बच्चे एक्टिवली जो है मूव कर रहे हैं। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को और सूचित करते रहिए। ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ी संख्या में लोगों के साथ जुड़ना चाहता है, काम करना चाहता है। इट शुड बी यस इंस्टेड ऑफ प्लेन इन सेंटेंस। सेंटेंस में मैंने क्लियर कर दिया था कि प्लेन स्पेलिंग गलत था। मेरी जो प्रूफ रीडिंग टीम है, कई बार एक आध शब्द वो मिस कर जा रही है, क्योंकि इसका प्रोसेस ये कि पहले पूरा मैटर टाइप करवाना पड़ता है, फिर प्रूफ रीडिंग की एक टीम लगी है, वो प्रूफ रीडिंग करती है। एक रैंडम मैं भी चेक कर लेता हूँ, लेकिन बहुत टाइम मुझे नहीं मिलता कि मैं उस पर प्रूफ रीडिंग करूँ, क्योंकि मेरा फोकस होता है नई चीज़ें खोजने और पढ़ाने पर। इसलिए बच्चों एक आध कोई मिस्टेक अगर प्रिंटिंग मिलेगी तो हम सही करते रहेंगे, इतना कोऑपरेट करते रहिए, कोशिश भी करेंगे कि टीम प्रूफ रीडिंग हमेशा सही करे। गुड। हवाई जहाज, वेरी गुड वेरी गुड। बच्चे पूरा एंजॉय करते हैं, बात नहीं है, बच्चे भी पूरा मौज करते हैं पढ़ते समय, दे एंजॉय अ लॉट। आइए न्यूज पेपर पे जो आपकी एक न्यूज है आपके सामने आ चुकी है। मैं विषय बदलता जा रहा हूं, अभी तक जो है वो चाइना और ये बॉर्डर डिस्प्यूट का था, अभी एक विषय बदल दिया मैंने आज। कल देखो राज्यसभा के संबंध में पढ़ाया था, आज हम ट्रैफिक वायलेशंस के बारे में आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ट्रैफिक वायलेशंस, आइए ट्रैफिक वायलेशंस क्या कहता है देखें। ट्रैफिक वायलेशंस राइज ऑन एम्प्टी रोड्स, खाली सड़कों पर ट्रैफिक वायलेशन बढ़ रहा है। यानी अब देखो एक परंपराएं मिल रही ना ट्रैफिक के साथ, अभी जैसे हमने आपको याद कराया था कि ट्रैफिक फैसिलिटीज एक क्लोज टेस्ट में था। अगर क्लोज टेस्ट मजबूत करना है ना बच्चों, तो न्यूज पेपर में एकदम जान लगा दीजिए, समझने की और देखने की, देखो दिल से। ट्रैफिक वायलेशंस एक परंपरा मिल गई, यातायात उल्लंघन। उल्लंघन के लिए तो हम लोग चाहे तो जैसे जैसे उल्लंघन की बात करना है तो ही ब्रोक द रूल, उसने नियम तोड़ा। ही ब्रोक द रूल, उसने नियम का उल्लंघन किया, नियम तोड़ा, तो ब्रेक आता है, वॉयलेट आता है, ब्रीच आता है। लेकिन यातायात का उल्लंघन करने के लिए क्या ब्रीच आएगा? यातायात का उल्लंघन करने के लिए ट्रैफिक ब्रेकिंग आएगा? जरा समझो मैं क्या पॉइंट रेज कर रहा हूं। छोटे बच्चों, प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, समझने की कोशिश करो। ब्रेक, BREAK, ब्रेक का मतलब ही उल्लंघन करना होता है, तोड़ना होता है। ब्रीच भी होता है उल्लंघन करना, तोड़ना। तो ब्रीच या ब्रेक या वॉयलेट, अब समझो जरा मैं यहां से फर्क आपको बता रहा हूं, इसका डिफरेंस समझो। तीनों शब्दों का मीनिंग एक है, एक जगह तीनों पर्यायवाची हैं। जैसे ही ब्रोक द रूल, उसने नियम तोड़ दिया। यहां पे आप देखें ही ब्रोक द रूल में तो ब्रोक भी हो सकता है, वायलेटेड भी हो सकता था, ब्रीच क्रिया भी प्रयोग में आ सकती थी। लेकिन जब हम ट्रैफिक वायलेशन पे जाते हैं, यानी यातायात उल्लंघन पर जाते हैं, तो क्या हम ब्रेक का प्रयोग करेंगे यहां पर? नहीं, ये परंपरा है, यही क्लोज टेस्ट है। अब आप यहां पे ध्यान से सुनोगे नहीं या अपने लेवल पे ध्यान से पढ़ोगे नहीं, और जब क्लोज टेस्ट में तीनों शब्द आ जाएंगे तो नौटंकी करोगे, अरे वो तो ब्रेक भी आपने बताया था तोड़ना होता है, वॉयलेट भी तोड़ना होता है, तो ट्रैफिक के साथ आपने वॉयलेट क्यों लिया, ट्रैफिक के साथ ब्रेक क्यों नहीं ले लेते हैं सर आप? तो सर तो यहां पे सब बताने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों आपको। स्टूडेंट्स यू लिसन टू मी केयरफुली, कि पर्यायवाची का मतलब ये नहीं है कि क्लोज टेस्ट में दो सिमिलर वर्ड आ जाए, जैसे अभी आया था
रिवॉल्व और मूव। और एक संजय जी उन्होंने हमें यहाँ तक कमेंट डाल दिया था कि अरे सर डिक्शनरी में एग्जैक्ट रिवॉल्व अराउंड दिया है, लेकिन पॉइंट ये है कि जब आपका मूव अराउंड दिया है जो कि सुपरफ्लुअस होने से भी बचाएगा आपको ऑप्शन में, तो हम रिवॉल्व की जगह मूव अराउंड से जा सकते हैं। जब ट्रैफिक वायलेशन यातायात उल्लंघन के लिए ब्रेक क्रिया है, ब्रीच क्रिया है, वायलेट क्रिया है, लेकिन ट्रैफिक के साथ परंपरा क्या है, वायलेशन का है। और बच्चों इतना ध्यान रखना, न्यूज़पेपर्स में खासतौर से 98% या 99% शब्दों की जो परंपरा है प्रयोग की, उसका बहुत अच्छे से पालन आज भी किया जा रहा है। जो लिंग्विस्टिक ट्रेडिशन में कौन से शब्द किस स्थिति में प्रयोग किए जाने चाहिए, इसका प्रयोग, इसका मतलब इस सिद्धांत का पालन आज भी हो रहा है। द प्रिंसिपल इज बीइंग फॉलोड इवन टूडे। यही कारण है कि आप न्यूज पेपर से शाब्दिक परंपरा को सीख सकते हैं। इफ यू वॉन्ट टू लर्न द ट्रेडिशन ऑफ यूजिंग वर्ड्स एज पर द कॉन्टेक्स्ट, एज पर द सिचुएशन, यू कैन लर्न इट मोर एंड मोर फ्रॉम न्यूज पेपर्स एंड मैगजीन्स। बहुत अच्छा सोर्स माने जाते हैं। तो यहां से एक चीज सीखा कि ट्रैफिक के साथ वायलेशन, और राइज का मतलब होता है बढ़ना, यानी ट्रैफिक उल्लंघन बढ़ रहा है ऑन एम्प्टी रोड्स, खाली सड़कों पर। इस समय वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, सड़कें खाली हैं, तो लोग चाहे जैसा गाड़ी चला रहे हैं, जहां मन हो रहा वहीं घूमे जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, उसी पर एक आपका आ गया। और एक और ले लें न्यूज पर बताते हैं आपको, ओवर 16 लाख चालान इश्यूड इन द कैपिटल, 16 लाख चालान इश्यू कर दिए गए। चालान की स्पेलिंग CHALLAN, इश्यूड इन द कैपिटल ड्यूरिंग लॉकडाउन। लॉकडाउन के दौरान 16 लाख चालान जारी हुए, वायलेशन कैप्चर्ड ऑन CCTV कैमरा। अब देखो यहां कैप्चर शब्द आया, जैसे कैप्चर ऑक्यूपाई आया था एक जगह क्लोज टेस्ट में आया था, याद करो। हम तो पीछे से सब दिमाग में लेके चलते हैं, आप भी लेके चला करो, और नहीं लग पाते हो तो रिवाइंड करके पहले वीडियोस रिवाइज करिए। ये जो कैप्चर शब्द आया, मैं जूम कर दूंगा बच्चों अभी थोड़ी देर में, हाँ बेटा थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं सुना रहा हूं आपको, कैप्चर शब्द और वायलेट, लेकिन सीसीटीवी कैमरे पर क्या होगा, कैप्चर, कैमरा क्या करता है, कैप्चर। तो एक परंपरा और चली कि अगर कैमरा सब्जेक्ट होगा या कैमरे के साथ कौन सी क्रिया आएगी, कैप्चर। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान रखना है। आइए अब मैं जूम करता हूं, दिखाता हूं आपको। चलिए थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। अब देखो इसमें, अ 35-year-old चार्टर्ड अकाउंटेंट वॉज सिटिंग एट होम। एक 35 वर्षीय CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि आपके कंपनी के लेखा जोखा मेंटेन करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट वॉज सिटिंग एट होम, वो घर पर बैठा हुआ था। अब देखो ये सिटिंग का कैसे मीनिंग पड़ रहा है, हम लोग कॉन्टिन्यूअस में अकेला ये रट लेते हैं, एक छोटी चीज सीखेगा आप यहां से, रहा है, रही है, रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूअस आपको एक बेसिक चीज पे ले जाओ, रहा है, रही है, रहे हैं, मतलब रटा है बच्चों ने, रहा है, रही है, रहे हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब भैया अगर ये सेंटेंस आपका आ जाए, मैं अपने अध्ययन कक्ष में बैठा हूं, मैं अपने अध्ययन कक्ष में बैठा हूं, तो यहां तो रहा है, रही है, रहे नहीं, तो ये टेंस नहीं पकड़ में आएगा क्या बच्चों को, तो क्या ये टेंस बच्चों को नहीं समझ में आएगा? अरे भाई बैठने का कार्य जारी है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहता है कि जहां बैठने का कार्य जारी हो, यानी कोई भी काम जारी हो तो सिर्फ वर्तमान में जारी है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, भूतकाल में जारी था तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और आने वाले समय में जारी रहेगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। लेकिन हम लोग इससे रट्टा मारे हैं, हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे उत्तर भारत में घूम रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान बताओ क्या है, तो रहा है, रही है, रहे हैं, उनके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। तो बच्चों अगर ये लिखना हो कि मैं अपने अध्ययन कक्ष में बैठा हूं, तो क्या बोल दोगे, आई एम सिटिंग इन माई स्टडी रूम, आई एम सिटिंग इन माई स्टडी रूम, बहुत ध्यान से सुनते रहे, आई एम सिटिंग इन माई स्टडी रूम। इसी तरह से ये था, 35 साल का चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने घर पर बैठा था, एट होम था, व्हेन ही रिसीव्ड, जब उसने, थोड़ा कोऑपरेट करना राहुल, व्हेन ही रिसीव्ड अ व्हाट्सएप मैसेज, जब उसने व्हाट्सएप मैसेज रिसीव किया,
फ्रॉम अ फ्रेंड। अब देखो एक पैटर्न मिल गया, एक क्वेश्चन और मिल गया आपको। आइए एक एग्जाम का क्वेश्चन और देखें, एक प्रेपोजिशनल पैटर्न यहां से पूछ लिया जाता है। रिसीव, ध्यान से सुनना बच्चों, रिसीव समथिंग फ्रॉम समबडी। ये देखो क्वेश्चन है आपका, रिसीव समथिंग फ्रॉम समबडी। व्हेन ही रिसीव्ड, व्हेन कंजंक्शन है, ही सब्जेक्ट है, रिसीव मेन वर्ब है। व्हेन ही रिसीव्ड अ व्हाट्सएप मैसेज, और व्हाट्सएप मैसेज यहां पे ऑब्जेक्ट है। कहां से मिला? फ्रॉम अ फ्रेंड, अपने मित्र से। तो रिसीव क्रिया के साथ अगर समथिंग जुड़ा है और आगे समबडी जोड़ना है तो बीच का प्रेपोजिशन क्या होगा? बोला यार क्या होगा? फ्रॉम। ये क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन है आपके, बहुत फोकस करिए, अटेंटिवली सुनते रहिए। टाइम जरूर ज्यादा लगता है आपका, लेकिन आपको काम की चीजें भी बहुत रोज मिलती हैं, इसलिए टाइम दीजिए। ये क्वेश्चन और, तो रिसीव्ड व्हाट्सएप मैसेज फ्रॉम फ्रेंड, और मैसेज जो मिला उसके बारे में देखो। अब ये क्या आ गया, ये देखो क्या आ गया, कैसे कैसे मैसेज प्राप्त किया। तो जब आपका वाक्य में सब्जेक्ट, ये पैटर्न देखो जरा, इसको समझो, सब्जेक्ट मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आपका एक एडवर्ब, कहां से मिला? तो फ्रॉम फ्रेंड, और इसके बाद फिर अगर वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ जाए, मैं यही बता रहा हूं, और ये आईएनजी फॉर्म कैसे, इस क्रिया से जब हमने जवाब किया कि मैसेज कैसे प्राप्त हुआ, आस्किंग हिम टू चेक हिज ट्रैफिक वायलेशन चालान। उसको मैसेज जो प्राप्त हुआ उसमें यह कहा जा रहा था कि भैया अपना ट्रैफिक वायलेशन चालान को जो है चेक कर लो ऑनलाइन, एज द लेटर हैड रिसीव्ड अ फ्यू, एज द लेटर हैड रिसीव्ड अ फ्यू, क्योंकि जो लेटर है एल ए डबल टी आर, लेटर मतलब बाद वाला, तो बाद में किसका नाम आया? ये चार्टेड अकाउंटेंट, क्योंकि इसने हैड रिसीव्ड अ फ्यू, कुछ चालान प्राप्त किए हैं, रिसीव्ड अ फ्यू, कुछ चालान इसे मिल चुके हैं, आप चेक कर लो ऑनलाइन। तुषार जैन, एक और व्यक्ति तुषार जैन, इसका ग्रामेटिकल पॉइंट देखें तो 35 ईयर चार्टेड अकाउंटेंट आपका सब्जेक्ट था, वॉज आपकी मेन वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, सिटिंग मेन वर्ब है, आईएनजी फॉर्म पास्ट कंटिन्यूअस, एट होम आपका एडवर्ब, फिर अगला सेंटेंस व्हेन कंजंक्शन, ही सब्जेक्ट, रिसीव्ड मेन वर्ब, ए व्हाट्सएप मैसेज ऑब्जेक्ट, और फ्रॉम अ फ्रेंड कहां से मिला? तो ये एडवर्ब, और कैसे मिला? उसको चेक करने की बात कहते हुए मिला, तो आस्किंग से लेके मैनर एडवर्ब का काम करने लगेगा। फिर एक सेंटेंस ऐसे है, क्योंकि यहां एज कंजंक्शन है, फिर एक सेंटेंस है लेटर, लेटर किसकी चर्चा है? इसी पर्सन का है इसमें, तो उसने हैड रिसीव्ड अ फ्यू, तो आपका जो व्हाट्सएप है ना ऑनलाइन, जो आपका है चालान ऑनलाइन, उसमें कुछ और रिसीव आपके हुए हैं, उसको आप चेक कर लें। तुषार जैन अ रेजिडेंट ऑफ ईस्ट दिल्ली, अब तुषार जैन की बात हो रही है, ये आपका सब्जेक्ट बनेगा, रेजिडेंट ऑफ ईस्ट दिल्ली, तुषार जैन की जानकारी है, वॉज शॉक्ड टू सी 13 वायलेशन रिसीव्स, वो तो आश्चर्यचकित हो गए। शॉक्ड का मतलब दो होता है, दुखी हो जाना या आश्चर्यचकित हो जाना, यहां हम लोग सिर्फ आश्चर्य में, एकदम जैसे शॉक्ड हो गया, सदमा सा लग गया, कह रहे मेरे को 13 वायलेशन रिसीट मिली है, और रिसीट कैसी थी वो प्राप्तियां, ये देखो एडजेक्टिव फ्रेज, इश्यूड अगेंस्ट हिज रजिस्टर्ड व्हीकल, जो रिसीट्स उनके रजिस्टर्ड व्हीकल के खिलाफ जारी हुई थी इन द लास्ट टू मंथ, पिछले दो महीने में, उनको पता ही नहीं चला, कई बार उन्होंने ट्रैफिक वायलेशन किया, ई चालान उनका कटता गया, उनको पता ही नहीं चला, व्हाट्सएप मैसेज आते गए उनको, बाद में जाके पता चला उनको, आई वॉज शॉक्ड बिकॉज, और मैं तो हतप्रभ था, मैं तो आश्चर्यचकित था, बिकॉज वाइल ड्राइविंग, क्योंकि जब मैं गाड़ी चला रहा होता था, आई डिडंट रियलाइज, तो मुझे तो कभी समझ ही नहीं आया, महसूस ही नहीं हुआ, आई डिडंट रियलाइज, क्या लगे, आई डिडंट रियलाइज देयर वर कैमराज इंस्टॉल्ड एट सर्टेन लोकेशन, वो कह रहा हमको तो पता ही नहीं चलता था कि कुछ कैमरा भी लगे जहां से मैं निकल रहा हूं, तो मैं तो सरप्राइज था कि मुझे इतना सारा चालान मिला है। He said Mr. Jain received all challans for over speeding. और Mr. Jain को जो जितने चालान भी प्राप्त हुए हैं वो over speeding के प्राप्त हुए हैं, मतलब जो लिमिट है स्पीड लिमिट उससे ज्यादा गति चलाने के लिए। देखो कुछ बच्चों के शब्द आ रहे हैं, फ्लेवर गैस्टेड भी होता है, बहुत चक्का हो जाना,
बिल्कुल आप सही चल रहे। थ्री ऑफ देम वर ऑफ 2,000 ईच, और उनमें से तीन चालान में, प्रत्येक चालान में 2,000 रुपए का फाइन था। एंड द रेस्ट का मतलब होता है शेष, बाकी। और जो शेष चालान थे द रेस्ट वर टू बी सेटल्ड इन कोर्ट। तो तीन चालान तो 2,000 रुपए का फाइन था, लेकिन बाकी के चालान टू बी सेटल्ड इन कोर्ट, इनको जितने जो चालान थे बाकी के, उनको कोर्ट में ही ये मामले हल हो सकते थे, कोर्ट में ही हल किए जाने थे, इस तरह के चालान थे। अकॉर्डिंग टू डेटा रिसीव्ड बाई द हिंदू फ्रॉम डेली ट्रैफिक पुलिस, यहां तक एडवर्ब कॉमा लगा है, तो यहां से पढ़ेंगे हम लोग, दिल्ली पुलिस के माध्यम से द हिंदू अखबार को जो डेटा प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार, दिल्ली पुलिस से द हिंदू को जो प्राप्त किए डेटा है उनके अनुसार, ओवर 16 लाख चालान्स, 16 लाख से ज्यादा चालान वर इश्यूड ड्यूरिंग लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान वो जारी किए गए। अब जैसे चालान जारी करना तो एक परंपरागत क्रिया आ गई, इशू करना, इशू। बिटवीन मार्च 23 एंड जून 15, 23 मार्च से 15 जून तक 16 लाख से ज्यादा ई चालान लोगों को मिल गए हैं। अब पता चल रहा है लोगों को, पहले तो खाली सड़कों पे लोग उड़ते चले गए, अब इसको देख लो बच्चों। चालान्स वर इश्यूड बेस्ड ऑन वायलेशन रिकॉर्डेड ऑन कैमरा, और ये जो चालान जो रिसीव हुए गए वो वायलेशन जो कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ था, विदाउट एनी इंट्रैक्शन, बिना किसी बातचीत के। इंट्रैक्शन यहां पे पढ़ेंगे कि ना तो प्रशासन के और बातचीत, विदाउट एनी इंट्रैक्शन, बिना किसी बातचीत के जो है ये हुए हैं। ड्राइवर्स टेंड टू ड्राइव फास्ट, एक क्रिया और देखो यहां पे, टेंड, ड्राइवर्स का जो टेंड का मतलब स्वभाव होना, प्रवृत्ति होना, नेचर होना, प्रवृत्ति, टेंडेंसी से टेंड बना है, मतलब टेंड से ही टेंडेंसी बना है, तो जो टेंड क्रिया है इसका मतलब प्रवृत्ति। तो ड्राइवर्स की जो प्रवृत्ति होती है टू ड्राइव फास्ट ऑन एम्प्टी स्ट्रेचेस, इनकी एक प्रवृत्ति होती है, इनका एक नेचर होता है कि वो खाली सड़कों पर तेज गाड़ी चलाते। अब यहां पे एम्प्टी स्ट्रेचेस का मतलब स्ट्रेस देखो आ गया, एक एम्प्टी रोड्स, स्ट्रेस का मतलब जो दूर दूर तक खाली सड़कें मिल गई, एम्प्टी स्ट्रेचेस। ये सब परंपराएं सीखो कि स्ट्रेस का मतलब अकेला खिंचाव नहीं होता, खींचना नहीं होता है, पट्टी नहीं होता है, बल्कि एम्प्टी स्ट्रेच कॉन्टेक्स्ट में सड़क का सेंस दे देगा, रास्ते का सेंस दे देगा। तो खाली सड़क पर ड्राइवर्स टेंड क्रिया को भी नोटिस करें, इनकी प्रवृत्ति होती है कि ये तेज गाड़ी चलाते हैं, ड्राइव फास्ट ऑन एम्प्टी स्ट्रेचेज ही सेड। एक्सप्लेनिंग फर्दर, आगे बताते हुए, एक्सप्लेन का मतलब वही और जानकारी देते हुए, मिस्टर हसन सेड, मिस्टर हसन ने कहा, द स्पीड लिमिट हैज बीन सेट, द स्पीड लिमिट हैज बीन सेट, सेट। अब देखो यहां पे कंसीडर क्रिया कैसे आए, स्पीड लिमिट निर्धारित की गई है कंसीडरिंग द व्हीकल वॉल्यूम ऑन सिटी रोड, शहर की सड़कों पर व्हीकल की संख्या को देखते हुए विचार करते हो। व्हीकल वॉल्यूम का मतलब जितनी मात्रा में वाहन होंगे उसी के हिसाब से स्पीड लिमिट निर्धारित की गई, एंड डिपेंडिंग ऑन पेडेस्ट्रियन सेफ्टी, और एक और फैक्टर को विचार किया गया है कि पेडेस्ट्रियन सेफ्टी भी पर भी निर्भर करता है कि कितनी स्पीड लिमिट होगी। पेडेस्ट्रियन शब्द की स्पेलिंग के साथ आप तैयार करेंगे, पैदल यात्रियों की सुरक्षा, पेडेस्ट्रियन सेफ्टी क्या पढ़ोगे, पैदल यात्रियों की सुरक्षा। बच्चों इसके लिए वीडियो रिवाइंड करने होंगे, क्योंकि हम दो दो तीन तीन काम एक साथ करेंगे तो टाइम ज्यादा खराब होगा, और हम यहाँ क्वांटिटी मेंटेन कर सकते हैं अगर हम ओरली बोलते जाएं और आप वीडियो रिवाइंड करके बाद में सारे वर्ड नोट कर लो जो जरूरी हो। पेडेस्ट्रियन सेफ्टी, मार्केट कॉम्प्लेक्सेस जो बाजार की जगह हैं, एंड कॉमर्शियल एक्टिविटी एट सर्टेन पॉइंट्स, और कुछ जगहों पर सर्टेन पॉइंट्स, एट सर्टेन पॉइंट कॉमर्शियल एक्टिविटी, व्यापारिक गतिविधियों, इन सभी चीजों को ध्यान में रख के स्पीड लिमिट को सेट किया गया है। तो आप अगर इस सेंटेंस को देखें तो एक्सप्लेनिंग फर्दर एडवर्ब था, मिस्टर हसन सेड ये भी सब्जेक्ट सेंटेंस था, सेट के बाद एक नया सेंटेंस है, यहाँ पे दैट था, सेट दैट, और द स्पीड लिमिट सब्जेक्ट है, हैज बीन सेट आपका यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है पैसिव, पैसिव का। अब कंसिडरिंग से लेके और यहां तक पूरा पूरा, कंसिडरिंग क्रिया से लेकर और सीधा आप आ जाइए सर्टेन पॉइंट्स तक, पूरा एडवर्ब्स हैं, सब के सब एडवर्ब की भूमिका में है, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव का सेंटेंस और बाकी की चीजें एडवर्ब के रूप में। दोज प्लेसेस
आर रिलेटिवली लेस क्राउडेड, और ये जगहें कंपेरेटिवली लेस क्राउडेड है नाउ ड्यू टू विच, जिसके चलते पीपल टेंड टू वायलेट स्पीड लिमिट। फिर एक बार, लोगों की प्रवृत्ति होती है ऐसे समय में कि वो स्पीड लिमिट को वायलेट करते हैं, क्योंकि खाली सड़क मिली तो लोगों ने अपना एक्सेलरेटर बढ़ा दिया। एनदर रीजन इज, एक और कारण है, एनदर रीजन इज दैट, दैट के बाद एक नया सेंटेंस पढ़िए, एनदर रीजन इज दैट Another reason is that earlier we did not have so many cameras. एक और कारण है कि इसके पहले, earlier मतलब इसके पहले जो सिचुएशन होती थी, हमारे पास इतने ज्यादा कैमरा नहीं होते थे, did not have, नहीं होते थे as we do now, जितने आज हमारे पास होते हैं। ये देखो कैसे पढ़ा जाता है, as we do now, जितने कैमराज आज हमारे पास हैं, do यहाँ पे have के साथ सेंस क्लियर कर, as we do have, जितने कैमरा हमारे पास आज हैं उतने पहले नहीं होते थे। द चालान्स इश्यूड इन जनवरी एंड फेब्रवरी दिस ईयर, अब यहां तक चालान सब्जेक्ट है और इश्यूड से लेके और दिस ईयर तक, दिस ईयर तक, ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। इस साल जनवरी फेब्रवरी में जो चालान जारी किए गए वह रिलेटिवली लेस, वो कम थे। ऑल्सो बिकॉज देयर वर व्हीकल्स ऑन द रोड, क्योंकि सड़कों पर जो वाहन थे टू मेंटेन स्पीड लिमिट, मैं स्पीड लिमिट मेंटेन करने के लिए वाहन कम थे। ही एडेड, उन्होंने ये भी, अब एडेड का मतलब उन्होंने ये भी और बताया, अब यहां पे एड क्रिया का मतलब जोड़ा या बताया, उन्होंने ये एक बात और जोड़ी। मिस्टर हसन सैड, मिस्टर हसन ने कहा दैट अर्लियर ड्यूरिंग नाइट, किसके पहले, रात के दौरान, ड्यूरिंग नाइट, तो ये नहीं कि एट नाइट रट के घूम रहे हैं, सिचुएशनल होते हैं प्रेपोजिशन। ड्यूरिंग नाइट देयर वर हार्डली एनी ट्रैफिक मॉनिटरिंग, रात में कोई, हार्डली मतलब नहीं, नॉट का सेंस क्रिएट करने, देयर वॉज नॉट एनी ट्रैफिक मॉनिटरिंग, रात में कोई बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग यानी निगरानी नहीं होती थी। बट नाउ कैमराज वर्क 24x7, लेकिन अब हमारे कैमरा दिन रात काम करते हैं। 24x7 कैसे पढ़ोगे, दिन रात काम करते हैं, यही होता राउंड द क्लॉक, 24x7, इसका एक फ्रेज लिख सकते हैं, राउंड द क्लॉक, राउंड द क्लॉक 24x7, इन्हीं का तो मीनिंग होता है दिन रात। कोई ऋषि क्वेश्चन आएगा तो देखते रहना जरा गाइस, कोई कंफ्यूजन, डेंसिटी ऑफ व्हीकल्स गुड, वॉल्यूम को डेंसिटी से बिल्कुल कर सकते थे, वॉइस कम हो गया है ऋषि भाई, ये कौन आपको मैसेज कर देता है, कोई somebody knows you? अच्छा, वो कह रहा कि वॉल्यूम कम हो गया है, नहीं आवाज तो जा रही होगी ना, क्यों आवाज आ रही बच्चों आप तक? यस, सीमा यादव ने लिखा क्लाइमेक्स, किस सेंस में क्लाइमेक्स लिख दिया भाई, पर मुकदमा दायर, चलो बच्चे अपने से कुछ समझ रहे हैं वो भी रिएक्शन देते जा रहे हैं, गुड बॉयज, ऑल द स्टूडेंट्स गुड, गुड एफर्ट्स आप जो दे रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग वायलेशंस एट ऑल आवर्स, तो ये वायलेशंस को सभी हर समय रिकॉर्ड करते चले जा रहे हैं। आइए अब आपको मैं थोड़ा और इसको दिखा दूं, कुछ और होगा इसमें तो थोड़ा देख लेंगे, ऐसे विषय बदलते रहेंगे, थोड़ा आपको एंजॉय कराते रहेंगे, टॉपिक बदल बदल के पढ़ाएंगे तो थोड़ा मन लगा रहेगा आपका भी, एडिटोरियल्स भी आपके सामने लाए जाएंगे, डोंट वरी। यहां पे लाइट कम आती है थोड़ा। अ 28 ईयर ओल्ड नोएडा रेजिडेंट हु डिडंट विश टू बी आइडेंटिफाइड, एक 28 साल का नोएडा का रेजिडेंट नागरिक हु डिड नॉट विश टू बी आइडेंटिफाइड, जो नहीं चाहता कि उसकी पहचान यहां पे बताई जाए, सेड दैट सी, कोई लेडी है, सी रिसीव 15 वायलेशंस रिसीट ओवर फॉर ओवर स्पीडिंग एंड वॉज पजल्ड। अब यहां पे देखो पजल्ड वर्ड आ गया, तो पजल्ड शब्द क्या है, परेशान हो जाना, वैक्स्ड हो जाना, पजल्ड हो जाना, तो वो पजल्ड थी अबाउट हाउ टू प्रोसीड विथ कोर्ट चालान, कि कैसे कोर्ट चालान के साथ हम अपनी कार्यवाही को आगे बढ़ाएं,
इसको लेके वो बहुत पजल्ड वैक्स्ड थी, परेशान थी। इसमें पजल्ड वर्ड को आप हाईलाइट कर लेंगे परेशान के लिए। आई हैड डिफिकल्टी, देखो कैसे सेंटेंस आगे बढ़ा, आई हैड डिफिकल्टी, यानी डिफिकल्टी के बाद सीधे वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ सकता है। आई हैड डिफिकल्टी पेइंग द ऑनलाइन चालान, मुझे ऑनलाइन चालान को पे करने में कठिनाई थी। आई हैड डिफिकल्टी डूइंग समथिंग, नहीं तो लोग इन लगाने के चक्कर में पड़ते हैं, इन है यहां पे। जैसे आई हैव डिफिकल्टी इन रीडिंग इंग्लिश न्यूज पेपर, तो डिफिकल्टी इन डूइंग समथिंग होता है, लेकिन डिफिकल्टी के साथ सीधे वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी ले सकते हैं। नोटिस करो बच्चों इसको ध्यान से, डिफिकल्टी पेइंग द ऑनलाइन चालान, टू दिक्कत थी बिकॉज द पेमेंट गेटवे केप्ट क्रैशिंग, क्योंकि जो पेमेंट गेटवे था जिससे पेमेंट करना था वो चैनल क्रैश कर जाता था। क्रैश से मतलब यहां पे इट वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो मैं अपने जो भी पेमेंट करती थी वो पेमेंट अनसक्सेसफुल हो जाता था। बट द बिगर प्रॉब्लम इज आई डोंट नो व्हाट टू डू विथ कोर्ट चालान, लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी समस्या, बिगर प्रॉब्लम, इससे भी ज्यादा बड़ी समस्या है आई डोंट नो, कि मैं नहीं जानती व्हाट टू डू, कि क्या करना है विथ कोर्ट चालान, जो न्यायालय के चालान है उनके साथ क्या करना है, क्या उसकी एक्शन होगी, वो मुझे जानकारी नहीं है। और देख लो बच्चों, वेयर टू विजिट व्हाट टू डू, इन्होंने कहा व्हेन एंड वेयर टू विजिट, कब और कहां जाना है, व्हाट टू डू और क्या करना है, ये स्पीकिंग का हिस्सा बनाओ बच्चों, मौज करिए इसको, एंजॉय करिए, ये सब स्पीकिंग का हिस्सा बनाओ, छोटे छोटे सेंटेंस। जो लोग सरल न्यूज पढ़ते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं, उनकी अंग्रेजी बोलने की क्षमता बहुत तेजी से बढ़ती है। एडिटोरियल्स से आपकी स्पीकिंग नहीं बढ़ती है, लेकिन ये सिंपल न्यूज अगर आप पढ़ेंगे इस तरह की, तो आपकी स्पीकिंग की क्षमता बढ़ेगी। और पहली कंडीशन अंग्रेजी सीखने की है कि आपकी अंग्रेजी बोलने की क्षमता बढ़ जाना चाहिए, प्लीज इस पर ध्यान रखना। सबका एक स्टेप वाइज चले, इंग्लिश स्पीकिंग सिंपल आपकी हो जाना चाहिए। तो छोटे व्हाट टू डू, व्हेन एंड वेयर टू विजिट, सी सेड, उन्होंने ये बात कहा। इसके बाद हम लोग जाते हैं इसकी एक और पॉइंट पर। ये तो हम लोगों ने ले लिया, वर्चुअल कोर्ट्स को छोड़े हम लोग, चलो कोर्ट का ही मामला पढ़ाते हैं थोड़ा सा। वर्चुअल कोर्ट के बारे में, कोर्ट के बारे में लिखा है द दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, थोड़ा सुना दें इसके बाद आगे। वर्चुअल कोर्ट्स, वर्चुअल कोर्ट समझते क्या है, ऑनलाइन कोर्ट्स, जैसे आपका ऑनलाइन चालान हुआ है वैसे आपका ऑनलाइन फिर आपका कोर्ट प्रोसीडिंग भी तो आना चाहिए, तो वर्चुअल कोर्ट शब्द भी समझ लो, ऐसी न्यायालय जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑनलाइन आपका केस डील कर रहे हैं, दे आर डीलिंग विद योर केसेस ऑनलाइन, वर्चुअल कोर्ट्स। द दिल्ली ट्रैफिक पुलिस हैव 389 सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल्ड अक्रॉस, हो गया बच्चों, वेट वेट, 389 सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड अक्रॉस द, चलिए लेट्स मूव, ये जो लास्ट लाइन थी वो यहां कनेक्ट हो जाएगी कि दिल्ली पुलिस ने 389 करके सीसीटीवी कैमराज हैं इंस्टॉल सिटी टू डिजिटली कैप्चर वायलेशन, जिसमें वो, अब देखो डिजिटली यहां पे सब टेक्निकल एडवर्ब आ रहे हैं लेकिन एडवर्ब है, डिजिटली वो कैप्चर करते हैं कैमरे से पिक्चर लेते हैं वायलेशंस इन्वॉल्विंग ओवर स्पीडिंग, जिसमें ओवर स्पीडिंग शामिल है, गति ज्यादा बढ़ाना, एंड सिग्नल जंपिंग, और अगर आप सिग्नल पे जंप करते हैं, अब देखो सिग्नल जंपिंग ओवर स्पीडिंग ये सब शब्द जो है ट्रैफिक के मामले में आ रहे हैं, तो यहां से परंपराएं भी शब्दों की मिलती जा रही हैं। वी आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट्स दैट वी आर गेटिंग सम वर्ड्स एंड देयर कॉन्टेक्स्ट, द डिटेल्स वर शेयर्ड बाय द दिल्ली हाई कोर्ट, ये विस्तृत जानकारियां डिटेल्स साझा किए गए दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, वाइल इनॉग्रेटिंग टू वर्चुअल कोर्ट्स, जब दो वर्चुअल कोर्ट्स का उद्घाटन किया जा रहा था, इनॉग्रेट करना क्या है, स्टार्ट करना, शुरुआत करना,
और वर्चुअल कोर्ट मैंने बता दिया, जो ऑनलाइन काम कर रही कोर्ट्स है उनको वर्चुअल कोर्ट बोलेंगे हम लोग। जैसे वर्चुअल क्लास क्या होती है, ये जो क्लास आपकी चल रही है वो कैसी क्लास है, वर्चुअल क्लास, ऐसे वर्चुअल कोर्ट होता है। वर्चुअल कोर्ट्स हियर फॉर ऑनलाइन सेटलमेंट, और ये सिर्फ ऑनलाइन सेटलमेंट करेंगे, मामले को हल करेंगे जो चालान है, ऑफ ट्रैफिक चालान फॉर वायलेशन कैप्चर्ड ऑन सीसीटीवी कैमरा। तो सीसीटीवी कैमरा पे जो वायलेशंस के मामले कैप्चर हुए हैं उनके समाधान के लिए, उनके समाधान के लिए वर्चुअल कोर्ट्स स्थापित कर दी गई हैं। थोड़ा सा नई जानकारी आ रही हम लोगों के साथ, जब नई कोई चीज हो तो उसको इंटरेस्ट से देखना चाहिए कि वर्चुअल कोर्ट्स के बारे में और क्या है। द वर्चुअल कोर्ट एज पर सेक्शन 208 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, सीखो यार इन सब चीजों को, कि जो वर्चुअल कोर्ट्स हैं वो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का जो वाहन अधिनियम है उसके तहत सेक्शन 208 यानी धारा 208 के तहत विल इश्यू स्पेशल समन्स, ये विशेष समन्स यानी लीगल नोटिस जारी करता है टू द वायलेटर, उल्लंघनकर्ता को, यहां वायलेटर होगा उल्लंघनकर्ता, वाया हर और हिज मोबाइल फोन, उसके मोबाइल फोन के माध्यम से। हर हिज इसलिए जोड़ा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, सबको उल्लंघन करता। वंस अ वायलेटर रिसीव्ड, एक बार जब, यहां पे वंस को कैसे पढ़ा जाता है, एक बार जब अ वायलेटर रिसीव्ड एन इंटीमेशन, एक बार जब वायलेटर को प्राप्त होती, इंटीमेशन का मतलब यहां पढ़ेंगे सूचना, जानकारी, सूचना, प्लीज ये शब्द नोट करें, इंटीमेट करना किसी को, जानकारी देना, सूचित करना, इंटीमेशन ऑन द मोबाइल फोन, एक बार जब वायलेटर को इंटीमेशन मिल जाता है मोबाइल फोन पर, सी और ही वुड हैव द ऑप्शन, फिर उसके पास ऑप्शन होता है चाहे वो मेल या फीमेल हो, टू आइदर कंटेस्ट द समन्स, कि या तो वो समन्स को कंटेस्ट करे मतलब उस पर कानूनी लड़ाई लड़े, और पे वाई विजिटिंग द वेबसाइट, या फिर वो ऑनलाइन जाकर पेमेंट भी कर सकता है चालान का, और नहीं अगर चालान पे पेमेंट करना है तो कोर्ट में जाके वो वर्चुअल कोर्ट में कंटेस्ट करे, यानी ऑनलाइन मामले को वो प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये है देखो एक नई जानकारी कि जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है उसकी जो सेक्शन 208 है उसके तहत स्पेशल समन जारी किए जाते हैं जो स्पीड लिमिट को वायलेट करते हैं या सिग्नल जंपिंग करते हैं, और उनको मौका होता है, ऑप्शन होता है, विकल्प होता है कि वो या तो कंटेस्ट करें समन्स को या फिर वो पे कर दें बाय विजिटिंग द ऑनलाइन वेबसाइट, वहां जाके पेमेंट कर सकते हैं चालान का। बच्चों प्यारी प्यारी छोटी छोटी जानकारियां भी हम लोग पा रहे हैं यहां पर, और ये जो है बता रहे हैं द रेक्विजिट मिनिमम फाइन कैन बी पेड, मैं ओरली बोल देता हूं छोटा बड़ा करके, द रेक्विजिट मिनिमम फाइन कैन बी पेड, आवश्यक, रेक्विजिट माने जरूरी, मिनिमम फाइन जो है वो पे किया जा सकता ऑनलाइन ऑन द डे एंड द टाइम ऑफ द वायलेटर्स चूजिंग, एक और सुविधा दी जाती है, वायलेटर ने जो टाइम चुना हो उसको भी मौका दिया जाता है विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड, निर्धारित दिन के अंदर जो दिन आपने चुना हो कि इस दिन मैं पे कर सकता हूं वो आपको मौका मिलता है। द टू न्यू वर्चुअल कोर्ट्स आर एन एडिशन टू द फर्स्ट वर्चुअल कोर्ट इन द कंट्री, जरा एक फैक्टर आ रहा है, टू न्यू वर्चुअल कोर्ट, जो नए दो ऑनलाइन न्यायालय हैं वो एडिशन टू द फर्स्ट को वर्चुअल कोर्ट, वो पहले वर्चुअल कोर्ट के अलावा हैं, अतिरिक्त हैं, पहला जो वर्चुअल कोर्ट था उसके अलावा हैं, इस्टेब्लिश्ड इन द कैपिटल, जो राजधानी में स्थापित हुआ था, पहला वर्चुअल कोर्ट का समय दे रहे हैं जुलाई 26 लास्ट ईयर, यानी 26 जुलाई को जो पहला वर्चुअल कोर्ट दिल्ली में स्थापित हुआ, उसके अलावा टू अदर वर्चुअल कोर्ट्स आर ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड, द एग्जिस्टिंग वर्चुअल कोर्ट डेल्ट विद ऑन स्पॉट ट्रैफिक चालान, एग्जिस्टिंग का माना जो वर्तमान, बच्चों शब्द जुड़ रहे हैं कि नहीं आप लोगों के, रिवाइंड करके आप देख लेना, मैं हर शब्द की मीनिंग दे रहा हूं, हर सेंटेंस की हिंदी सुना रहा हूं, द एग्जिस्टिंग वर्चुअल कोर्ट्स वर्तमान ऑनलाइन न्यायालय डेल्ट विद
डेल्ट विद ऑन स्पॉट ट्रैफिक चालान, ये जो है ऑन स्पॉट ट्रैफिक चालान को डील करते हैं, जनरेटेड बाय दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जनरेट किए जाते हैं थ्रू ई चालान एप्लीकेशन, ई चालान एप्लीकेशन के माध्यम से, डेवलप्ड बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। और ये जो ई चालान एप्लीकेशन डेवलप किया, किसने किया? द नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर के माध्यम से ये ई चालान डेवलप हुआ है। सेंटर इट हैज सो फार डिस्पोज्ड ऑफ, और इसने अब तक लगभग जो डिस्पोज ऑफ, देखो यहां अंडरलाइन करेंगे, निपटा देना, मामलों को निपटाने के सेंस में एक फ्रेजल वर्ब एग्जाम में अक्सर आया, डिस्पोज का ऑफ प्रेपोजिशन भी पूछा गया है, प्लीज इसको भी चिन्हित करें। डिस्पोज्ड ऑफ 3,730,789 चालान्स रिजल्टिंग इन, रिजल्टिंग के साथ इन भी पूछा गया एग्जाम में, रिजल्टिंग इन ऑनलाइन कलेक्शन ऑफ 89 करोड़, अब तक लगभग 89 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ है फाइन टिल मे 7 दिस ईयर, इस साल 7 मई तक। थैंक यू वेरी मच। इसमें जो भी सेंटेंस हो, जो भी शब्द आए हों, मैंने प्रत्येक सेंटेंस का हिंदी भी किया है गाइस। इसी तरह से हम थोड़ा क्वांटिटी भी बढ़ाना चाहते हैं न्यूज पेपर की, ताकि ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन करें। इफ वी ट्रांसलेट इंग्लिश इन टू हिंदी, वी विल बी इन पोजिशन टू फाइंड आउट वेरी सिंपल वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, सम फ्रेजल वर्ब्स, सम प्रपोजिशनल सिचुएशंस, सम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स बाय विच वी कैन हैव द होल्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। थैंक यू गाइज, आई लव टू टीच यू, आई होप यू ऑल्सो इंजॉय स्टेइंग विद मी लाइव। थैंक यू वेरी मच, यू हैव अ वेरी नाइस टाइम, टेक केयर गाइज। वीडियो शेयर करते रहिए, अधिक से अधिक लोगों में साझा करते रहिए बच्चों, ये बहुत